सो 61 ऑनवर्ड्स हम लोग अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। ये हम लोग अपने 70th BPSC प्रीलिम्स का जो पहला मॉक टेस्ट हुआ है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले एक दो चीज़ें बस बताऊंगा कि ऑलरेडी इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइडेड है। बट ये वीडियो किस लिए है? ये वीडियो इसलिए है ना कि आप क्वेश्चन से टेक अवे क्या ले रहे हो वो आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। उसका एक्सप्लेनेशन, उससे नॉलेज गेन करना, ये सब कुछ एक तरफ है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आप देख रहे हो तो उससे क्या टेक अवे लेके जा रहे हो कि ठीक है ये क्वेश्चन आया था, अब मुझे अपनी प्रिपरेशन में या अपने उस टॉपिक को कैसे और बेटर प्रिपेयर करना है, ये उस क्वेश्चन से मुझे कैसे समझ आए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे हम लोग थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे कि इस क्वेश्चन से क्या समझा जा सकता था, इस क्वेश्चन से और कौन से हमको टॉपिक्स कवर कर लेने चाहिए थे। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत रिपीटेड आ रहे हैं तो मुझे अपनी नोट्स को और कैसे मॉडिफाई करना चाहिए, लास्ट मोमेंट में क्या मेरे पास रिविज़न के लिए रखना चाहिए, तो ये सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस होगा। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको पोर्टल पर भी मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा। तो जो चीज़ें एक्सप्लेनेशन में दी हुई हैं उन्हीं को रिपीट करना ये वीडियो का मोटिव नहीं है, आपको उस क्वेश्चन से क्या और इनसाइट्स लेनी चाहिए ये बेसिकली मोटिव है। ठीक है, तो ऑलरेडी ये वीडियो लंबी होगी तो ज़्यादा ज्ञान नहीं देते हैं, क्वेश्चन पे डायरेक्टली स्विच करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, क्योटो होलान वर्सेज जाचिलू एंड अदर्स केसेस रिलेटेड टू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है, तो आंसर इसका पहले बता देता हूँ, इट इज़ रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। अब इससे हमको टेक अवे क्या लेना चाहिए? तो पहला तो टेक अवे ये होगा कि केसेस इम्पॉर्टेंट है, केस लॉज मतलब इम्पॉर्टेंट जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं ना वो इम्पॉर्टेंट हैं, और वो किससे रिलेटेड हैं ये पूछा जाता है। ठीक है, तो एक तो आपके पास ये होनी चाहिए कि इम्पॉर्टेंट केसेस मैं एक बार देख लूँ, गो थ्रू हो लूँ, ठीक है, वो किससे रिलेटेड हैं, क्या उसमें जजमेंट दी गई थी, थोड़ा सा आइडिया हो। ऐसा BPSC में इतना ज़्यादा घुस के नहीं पूछते हैं कि इसकी माइनॉरिटी जजमेंट की थी क्या थी, इसकी मेजॉरिटी जजमेंट क्या थी, क्या बेसिकली जजमेंट दिया गया, इतना नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको बेसिक एक आइडिया होना चाहिए कि ठीक है क्या क्या हुआ था इसमें। जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारा क्योटो होलान वाला क्वेश्चन है, तो अगर हम इसको देखें तो पहला तो डाउट आपके पास आना चाहिए या पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्यों ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया मेरे से, रैंडमली कोई क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता है। तो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि सबको पता है कि महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही थी ना, तो उस टाइम पे इस लैंडमार्क जजमेंट का काफ़ी रेफरेंस आया था। तो थोड़ा सा लिख देता हूँ, रेफरेंसेस वेयर मेड टू दिस केस इन महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा न्यूज़ में आया तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ठीक है आपको पता होना चाहिए, वैसे भी इम्पोर्टेंट जजमेंट है और न्यूज़ में भी रही तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। अब ये रिलेटेड किससे है? तो पहले ही बताया मैंने कि एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, इतना लिख रहा हूँ तो समझ आ जाना चाहिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। अब एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या, थोड़ा सा और पता करो। देखो BPSC में ने भी कहा है और वैसे भी आप देख रहे होगे कि 68th 69th कैसे गियर शिफ्ट हुआ है, क्वेश्चंस बिल्कुल ही वन लाइनर नहीं आते हैं। अगर ये क्वेश्चन आया है तो इट इज़ क्वाइट सिंपल कि ठीक है, लेकिन अगर इनको एक लेवल और पूछना होगा ना तो थोड़ा सा कुछ पूछ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर तुमको किसी क्वेश्चन के बारे में या किसी फैक्ट के बारे में थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड पता रहेगा ना तो वो फैक्ट याद रखना ईजियर हो जाता है। ठीक है, तो क्या इस केस में क्या हुआ था? इस केस में बेसिकली जो कंटेंडर्स थे उनका कहना ये था कि स्पीकर को बहुत ज़्यादा ओवरराइडिंग पावर दी गई है एंटी डिफेक्शन लॉ में, मतलब उसके पास बिल्कुल ही, स्पीकर के पास बिल्कुल ही डिस्क्रिशनरी पावर है जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा एक बायस रहता है स्पीकर के लिए, स्पीकर हमेशा किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए थोड़ा बायस तो रहता ही है, भले वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है लेकिन एक बायस रहता है उनके पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, उन्होंने
इस बायस को या स्पीकर की जो डिस्क्रिशनरी स्वीपिंग डिस्क्रिशनरी पावर जो है उसको अपहेल्ड किया, कहा कि ठीक है स्पीकर की जो पावर है वो सही है, उनको उनके पास वो पावर होनी चाहिए हाउस को प्रॉपरली रन करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा लिखूँगा नहीं मैं, बेसिकली आप समझ लो कि दिस वॉज रिगार्डिंग द स्वीपिंग पावर ऑफ रोल ऑफ स्पीकर। थोड़ा सा ये लिख देता हूँ कि स्वीपिंग पावर ऑफ स्पीकर अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। मतलब जो पेटिशनर थे उनका कहना था कि जो स्वीपिंग पावर दी गई है स्पीकर को, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि जो डिस्क्रिशनरी पावर है स्पीकर के पास वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और समझते हैं इस केस को। केस को क्या, 1985 में हमारा 10th शेड्यूल वॉज अडॉप्टेड, ये क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ, और इस बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस दिए जा रहे थे। ठीक है, और 1992 में फाइनली हमारा क्योटो उल्हान केस आ गया। ठीक, तो देख रहे हो थोड़ा सा तुमको बैकग्राउंड पता होगा ना, तो अब तुम नहीं भूलोगे कभी भी कि क्योटो उल्हान केस किससे रिलेटेड है, शेड्यूल से रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। इनफैक्ट तुमको ये भी पता रहेगा कि स्वीपिंग पावर्स के अगेंस्ट वो था, कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को के अगेंस्ट जा रहे हैं स्वीपिंग पावर्स जो हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर तुमको बैकग्राउंड पता रहोगे ना तो ईजियर हो जाता है फैक्ट्स को याद करना। अब ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर देते हैं। अगर जैसे जब तुम मेंस वगैरह की क्लासेस लगाओगे ना तो यहाँ पे हम ये भी बताएंगे कि इसमें मेजॉरिटी जजमेंट में क्या कहा था। मेजॉरिटी जजमेंट का क्या मतलब होता है कि जो एक्चुअल जो जजमेंट दी गई, जैसे अगर मान लो पांच जजेस का बेंच है, तो अगर जजमेंट आती है थ्री, तीन ने यस कहा और दो ने नो कहा, नो मतलब कि कुछ दूसरा जजमेंट दिया, तो मेजॉरिटी जजमेंट मतलब जो एक्चुअल जजमेंट पास हुई। लेकिन ये जो जजमेंट होती है, जो दो जजेस का कुछ कहना होता है ना, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है आंसर्स वगैरह में लिखने के लिए, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मतलब इम्पॉर्टेंट क्या, एक वैल्यू एडिशन हो जाता है तुम्हारे आंसर के लिए। ठीक है, तो ये अभी के लिए इम्पॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, लेकिन ये मेंस की क्लासेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मेंस की क्लासेस दक्ष वगैरह में जब भी तुम ज्वाइन करोगे, तो तुमको ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि मेजॉरिटी जजमेंट क्या था, माइनॉरिटी जजमेंट क्या था। सब सेम बात लिख रहे हैं तो मार्क्स ज़्यादा कम कैसे मिलेंगे, तुम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लिखोगे तभी मिलेगा ना। ठीक है, अब देखो हमने क्या देखा कि क्योटो उल्हान के बारे में तो पूछ लिया, अब कुछ और भी तो केसेस हैं ना जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ से ही रिलेटेड है। ज़रूरी थोड़ी यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से टेक अवे हमने क्या लिया, टेक अवे हमने ये लिया कि केसेस इंपॉर्टेंट हैं, लैंडमार्क जजमेंट इंपॉर्टेंट हैं, वो किससे रिलेटेड है ये पता होना चाहिए। तो एक और कौन सी इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो कि 10th शेड्यूल से ही रिलेटेड है, वो है निबाम रेबिया फेलिक्स केस। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था, इसमें थोड़ा सा बस जान लो कि हेयर द सुप्रीम कोर्ट लिमिटेड द स्पीकर्स पावर। किस सेंस में लिमिट किया, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसिबल, मतलब कि ये बिल्कुल ही कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है कि अगर किसी स्पीकर के अगेंस्ट में डिसक्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग चल रही हो तो उस टाइम उसके वो किसी और के डिसक्वालिफिकेशन को डिसाइड ना करें। सॉरी अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, तो
सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि स्पीकर किसी डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग को ना करे जब उसके खुद के अगेंस्ट कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा हो। ठीक है, अगर किसी स्पीकर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा है, मतलब उसको उस पोस्ट से हटाने की बात की जा रही है, अगर हाउस उसको नहीं चाहता है कि वो उस पोस्ट पर रहे, उस टाइम पे स्पीकर किसी मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड नहीं कर सकता है, ऐसा इस केस में सुप्रीम कोर्ट का कहना था। तो सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा लिमिट किया ना स्पीकर की पावर को। जब आपकी खुद की सीट, जब आपकी खुद की चेयर खतरे में, आप दूसरों को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। बेसिकली इस केस का यही जजमेंट था। ठीक है, एक और रूलिंग हमको पता चल गई 10th शेड्यूल से, निबामने भी अभी हो गई और एक हो गया क्योटो होलैंड। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ आपको अच्छे से पता होगा, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, ये आपके डिटेल एक्सप्लेनेशन में भी लिखा होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जान लो। जैसे कि कब इंसर्ट हुआ, तो 1985 में कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक है, किसके डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, ये MPs एंड MLAs की डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। क्या क्राइटेरिया क्या है डिस्क्वालिफिकेशन का, अगर कोई MP या MLA वॉलेंटरिली अपनी मेंबरशिप छोड़ देता है पार्टी की, तो एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है, कंडीशन वन। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, पार्टी ने कहा है कि इस चीज़ के लिए यस वोट करना है आपको, वेप इशू किया हुआ है पार्टी ने, लेकिन ये जो मेंबर हैं, मेंबर वन, इन्होंने नो वोट कर दिया या वोट ही नहीं किया, मतलब पार्टी के अगेंस्ट चले गए, पार्टी के विप के अगेंस्ट चले गए, तो भी एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है। ये बेसिक बातें हैं, ये आपको पता होगा मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन क्या नहीं पता होगा वो ये चीज़ें थी। ठीक है, तो इसको हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो देखो इतनी डिटेल में हर क्वेश्चन को करना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये वीडियो फिर चली जाएगी, मतलब ऐसा हो जाएगा ये एक सुपर मैराथन वीडियो चल बन जाएगी, और सारे टॉपिक्स इतने देर में डिस्कस हो रहे हैं। तो टेक अवे इससे ये था कि केसेस इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क जजमेंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पटना डिस्ट्रिक्ट हैज़ हाउ मेनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी होती क्या है, ये थोड़ा सा समझ लो कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ए MP, मतलब कि आपके स्टेट में एक एरिया है, यहाँ से एक MP इलेक्ट होके जाएगा, तो इस एरिया को पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बोलेंगे। ठीक है, जनरल इलेक्शन की बात होती, तो अभी जस्ट जनरल इलेक्शन हुए, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा पता होने चाहिए। अब यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन मेंटेन किया जाता है एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में दूसरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से। यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन मतलब एक MP जो है ना, ऐसा नहीं हो कि एक एरिया में 100 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरे जगह में MP 100,000 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी कैसे होनी चाहिए, बिटवीन द स्टेट्स भी होनी चाहिए और विद इन द स्टेट्स भी होनी चाहिए। समझ आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि ऊपर से जा रहा हूँ। ठीक है, तो विद इन द स्टेट, बिटवीन द स्टेट्स कैसी होगी कि जो नंबर ऑफ सीट्स ऐसे दिए जाएंगे कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सीट्स एंड द पॉपुलेशन सेम रहे, वो विद इन द स्टेट्स भी ये इंश्योर किया जाता है कि जो नंबर ऑफ सीट्स दी जा रही हैं और जो रेशियो, जो पॉपुलेशन जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन दोनों का रेशियो, नंबर ऑफ सीट्स और पॉपुलेशन का रेशियो सेम रहना चाहिए, ताकि अगर किसी एरिया से, किसी एरिया की पॉपुलेशन है 10,000, 10,000 पे एक MP है, तो दूसरे एरिया में ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100,000 लोगों पे एक MP हो। उस रेशियो को मेंटेन करना होता है, बेसिकली इसी को कहते हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, फैक्चुअल था, पटना डिस्ट्रिक्ट हैज़ हाउ मेनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, तो 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरोप्लेन फ्लाई इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो आंसर तो पहले आंसर बता दूंगा मैं,
उसके बाद हम लोग डिस्कशन पे चल लेंगे, ठीक है। तो आंसर इसका सिंपल है, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर। अब क्यों, ये थोड़ा सा समझना है। कहाँ है, इधर समझ लेते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी वन सेकेंड। अब एरोप्लेन जो है 35,000 feet टू 42,000 feet इसी रेंज में उड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ने लगेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल लो हो जाएंगे और कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो वहाँ दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, अगर बहुत ही लो उड़ने लगेगा तो क्या होगा, एयर इतना होगा, क्लाउड्स इतने होंगे कि हाई रेजिस्टेंस आएगा उड़ने में, तो अगेन फ्यूल के लिए इशू होगा। तो कैसे स्वीट स्पॉट पे ये उड़ता है, 35,000 feet टू 42,000 feet। सो मेनली जो है लोअर स्ट्रेटोस्फीयर समटाइम्स अपर ट्रोपोस्फीयर, क्योंकि इतना ज़्यादा बिल्कुल ही कोई डिवीज़न नहीं है ना। डिवीज़न तो हमने अपने अकॉर्डिंग किया है कि इसको ट्रोपोस्फीयर बोलेंगे, इसको स्ट्रेटोस्फीयर बोलेंगे, है तो एटमॉस्फेयर एक ही चीज़, ठीक है। तो उस हिसाब से ये लोअर स्ट्रेटोस्फीयर अपर ट्रोपोस्फीयर इधर होवर करता है, लेकिन मेजरली अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लोअर स्ट्रेटोस्फीयर बोलोगे। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन से हमारा टेक अवे क्या होना चाहिए, कि ये तो एक जस्ट एक क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन देखने के बाद एक काम करना चाहिए कि सपोज़ करो आपने सही कर लिया क्वेश्चन, ठीक है, या सपोज़ करो कि गलत कर लिया या आपको नहीं आता था, तो आपका अब काम क्या होना चाहिए कि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आप देखोगे कि किस लेयर में क्या होता है। अगर ट्रोपोस्फेयर है तो ट्रोपोस्फेयर की क्या हाइट है, कहाँ से कहाँ तक होता है, ट्रोपोस्फीयर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर स्ट्रेटोस्फीयर की, मीजोस्फीयर की, थर्मोस्फीयर की, एक्सोस्फीयर की, ठीक है, सब की आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे। एटमॉस्फेयर इन जनरल की थोड़ी कंपोजिशन भी देख लोगे। तो ऐसे ही करके आप अपना पूरा सिलेबस सिर्फ एक पेपर सॉल्व करके भी काफ़ी हद तक रिवाइज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर ये वाला क्वेश्चन देखना हुआ तो मेरा क्या काम का होगा, सपोज़ करो मैं पेपर दे रहा हूँ, अब मैं एनालिसिस करने बैठा हूँ, तो ये देख लिया मैंने कि ठीक है सही हुआ है गलत हुआ है, दूसरा मैं क्या करूँगा कि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा रिवाइज़ कर लूँगा। अब लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में सबसे पहले मैं देखूँगा कि ठीक है ट्रोपोस्फेयर, देखो ये पूछते हैं ना बहुत लोग कि रिवीजन कैसे करना है, तो रिवीजन ऐसे ही होता है। रिवीजन ऐसे नहीं होगा कि हर बार आप पूरा पूरा चैप्टर लेके बैठोगे और पूरे पूरा सब्जेक्ट लेके बैठोगे और पूरा पूरा रिवीजन करोगे। आपको सेट्स लगाने होंगे, मतलब FLT वगैरह लगाने होंगे, और उससे निकालो और उससे रिवाइज़ करते चलो, टॉपिक पकड़ा सही हुआ है गलत हुआ है उसके हिसाब से करते चलो। तो ट्रोपोस्फीयर की कोई पूछे तो एवरेज हाइट क्या होती है, एवरेज हाइट कोई बता देगा ठीक है 13 किलोमीटर होती है एवरेज हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी होती है तो 18 किलोमीटर होती है, कहाँ पे होती है इक्वेटर पे होती है, मिनिमम हाइट कितनी होती है 8 किलोमीटर होती है, कहाँ होती है पोल्स पे होती है। अब इसके साथ साथ इसका लॉजिक आपके दिमाग में घूमता रहना चाहिए कि ठीक है ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं, जितनी भी क्लाइमेटिक चेंजेस होती हैं वो इसी लेयर में होती हैं, जितने भी क्लाइमेटिक चेंजेस बेसिकली, ठीक है। इसके बाद इस लेयर में जो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है वो हर एक डिग्री पे, हर एक डिग्री 165 मीटर पे चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स भी मैंने रिवाइज़ कर लिए अपने, कुछ मैंने कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज़ कर लिए, वो साथ साथ होते चला जा रहा है मेरा, ठीक है। फिर स्ट्रेटोस्फीयर पे आएंगे, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटोस्फीयर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें ओजोन होता है, ठीक है।
फिर कौन सा आएगा, थर्मोस्फेयर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि थर्मोस्फेयर में एक आइनोस्फेयर नाम की लेयर है, उसमें रेडियो कम्युनिकेशन के काम आते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्या है, इंटरनेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी इसी लेयर पे रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा 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 रिवाइज करते रहना है। एक और चीज़, ये डायग्राम अगर तुम सामने अपने रख लोगे, जैसे कि एनसीईआरटी में तुम चले गए रिवाइज करने के लिए, तो ये डायग्राम जैसे ही देखें तो तुमको पता चल गया कि ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर घटता है, फिर एक पॉज आता है जिसको कहते हैं ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज पे हाइट बढ़ने के साथ भी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे 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 हाइट बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ता है, फिर आता है स्ट्रेटोपॉज, फिर आता है मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर में जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर घटता है, फिर मीजोपॉज आता है, और फिर थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो ये कुछ डायग्राम्स जो है ना वो तुम्हारे दिमाग में आने ही आने चाहिए जब तुम रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, फिर एक चीज़ मैंने कहा कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर तुम ज़रूर से देख लो, क्योंकि कैसे कह रहा हूँ मैं, ये टॉपिक्स तुम्हारे दिमाग में आने चाहिए। PYQ, तुम जब PYQ लगाओगे तो तुमको दिखेगा कि ठीक है इस टॉपिक से अभी तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं, लेकिन अगर मैं ट्रेंड देखूंगा, अगर मैं PYQ देखूंगा तो मुझे पता है कि एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन के बारे में भी बहुत पूछते हैं। अगर स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में पूछ लिया है तो ट्रोपोस्फेयर के बारे में भी पूछ सकते हैं, थर्मोस्फेयर के बारे में भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन किस लेयर में उड़ता है, ये भी पूछ सकते हैं कि ओजोन किस लेयर में है, मैक्सिमम क्लाइमेटिक एक्टिविटीज़ किस लेयर में है, तो ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन से मैंने बाकी सारे भी कॉन्सेप्ट्स अपने रिवाइज कर लिए। तो यहाँ थे हम लोग कि परसेंटेज ऑफ, अब नाइट्रोजन सबको पता है 78.8 है, ऑक्सीजन सबको पता है इतना है, आर्गन वगैरह भी पता होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, हाइड्रोजन, ये सारी चीज़ें भी हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती हैं और NCERT के थ्रू ही जाना चाहिए। NCERT का ही स्क्रीनशॉट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक सेकंड बस पहुँचा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब इस क्वेश्चन से क्या चेक हो रहा है मेरा, पहला चेक हो रहा है कि मुझे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में पता है कि नहीं, कि कौन से एरिया इंडिया में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर आते हैं। दूसरा, सपोज करो मुझे ये पता है कि, मैं ये दिखा देता हूँ कि ये चार एरिया जो हैं इंडिया में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, एक हिमालयन रीजन, ठीक है, इंडो बर्मा रीजन, वेस्टर्न घाट्स और सुंडरलैंड। मान लो ये मुझे पता है, लेकिन मुझे नंदा देवी, सतपुरा, विंध्या, अमरकंटक, इनकी लोकेशंस के बारे में आइडिया नहीं है। तो इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मुझे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में पता है, मुझे इनकी लोकेशंस पता है, मैं ये क्वेश्चन फिर भी नहीं सॉल्व कर पाऊँगा। मुझे पता क्या होना चाहिए कि नंदा देवी, सतपुरा, विंध्या, अमरकंटक ये हैं कहाँ पे? इसके बाद ही मैं ये देख पाऊँगा कि ठीक है कि नंदा देवी यहाँ आता है तो ये इसका पार्ट है, सतपुरा इधर, विंध्या इधर, ये अमरकंटक इधर, तो ये इसका पार्ट नहीं है। समझ रहे हो तुम? तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपकी मैपिंग भी चेक कर रहा है, ये क्वेश्चन आपकी नॉलेज भी चेक कर रहा है कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में आपको पता है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, नंदा देवी। अब दो तीन चीज़ें हैं, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आपके सामने आया, आपका काम क्या होना चाहिए कि आप बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को रिवाइज़ कर लो कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट होते क्या हैं। तो ऐसे रीजन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं इकोलॉजिकली, जेनेटिकली और कल्चर के पर्सपेक्टिव से भी, मतलब कि उस एरिया का इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है,
लेकिन क्या सिर्फ वो एरिया अगर इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट है तो वो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हो जाता है? नहीं, उसकी इम्पॉर्टेंस होने के साथ साथ उसका थ्रेटेंड होना भी बहुत ज़रूरी है। तो दो कंडीशंस हुए, टू कंडीशंस, सिग्निफिकेंट रिजर्व वायर ऑफ बायो डाइवर्सिटी एक्सक्यूज मी, और थ्रेटन्ड विथ डिस्ट्रक्शन। मतलब वहाँ की बायोडायवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, उसके साथ साथ वो एरिया थ्रेटन्ड भी होना चाहिए, मतलब वहाँ डिस्ट्रक्शन भी हो रहा होना चाहिए। तो कोई बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट होना अच्छी बात कोई नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छी बात है कि ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बन गया। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बन गया मतलब कि वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इसलिए बनाया हुआ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, तो अब देखो एक चीज़ और आपको समझ आनी चाहिए कि बीपीएससी का पेपर, और चलो अगर मान लेते यूपीएससी का भी पेपर, यूपीएससी तक फैक्चुअल चीज़ें पूछ रहा है। यूपीएससी में अगर तीन स्टेटमेंट आ रहे हैं तो एक इतना फैक्चुअल रह रहा है कि वो फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ये मिथ बिल्कुल दिमाग से निकल जाना चाहिए कि यूपीएससी में फैक्ट्स नहीं पूछे जा रहे। और बीपीएससी है तो बीपीएससी स्टेट वाले तो फैक्ट्स पूछते ही पूछते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो ये पता होना चाहिए कि ये आइडिया सबसे पहले किसने डेवलप किया। तो द आइडिया वॉज फर्स्ट डेवलप बाई नॉर्मन मेयर्स। कब डेवलप किया? इन 1988। ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि मतलब रिवीजन करने का तरीका क्या होना चाहिए तुम्हारा टेस्ट के साथ। आई एग्री कि इस टेस्ट को इस टाइप से रिवाइज करने में एक दिन लग जाएगा, लेकिन लगने दो ना, तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स देखना कितने तरीके से रिवाइज होते हैं। जो फैक्चुअल क्वेश्चन हो, जो बहुत ईजी क्वेश्चन है, वो भी दिखाऊंगा अभी, मतलब इस सेगमेंट में आएंगे वो, तो उनको टिक करो निकलो। लेकिन जहाँ से तुमको दिखता है कि यहाँ से रिवीजन किया जा सकता है वहाँ करो ना रिवीजन। ठीक है, तो अब जैसे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हमने समझ लिया, इसकी फैक्चुअल नॉलेज ले ली, फिर क्या देख लेंगे कि क्राइटेरिया क्या है कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट किसी एरिया को कहा जाए। तो आई डोंट थिंक कि बीपीएससी इतना अंदर जाके पूछेगा, लेकिन ठीक है, जब कह रहे हैं वो कि थोड़ा सा लेवल अप करेंगे हम, तो दो क्राइटेरिया होते हैं। एक एंडेमिज्म, एंडेमिज्म का मतलब हुआ कि वो प्लांट या वो स्पीसीज उसी जगह पे मिलनी चाहिए। एंडेमिक होने का मतलब कि उसी एरिया स्पेसिफिक में वो चीज़ मिलनी चाहिए। तो 1500 वैस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक्स, मतलब कि 1500 प्लांट वहाँ पे एंडेमिक होने चाहिए, जिसका मतलब है कि बहुत ही हाई परसेंटेज ऑफ प्लांट स्पीसीज वहाँ पे जो मिल रहे हैं वो कहीं और प्लैनेट पे नहीं मिलने चाहिए। ये एक थ्रेशोल्ड है कि एटलीस्ट 1500 तो वैस्कुलर प्लांट होने चाहिए कि जो कि एंडेमिक है। दूसरा क्या है? थ्रेट, यहाँ ऊपर ही बताया था मैंने कि सिग्निफिकेंट रिजर्वायर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो, मतलब कि ये एंडेमिक को बता रहा है, और डिस्ट्रक्शन थ्रेट को बता रहा है। थ्रेट के बारे में कैसे पता लगाएंगे हम? कि मोर देन 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन has lost। 1500 वैस्कुलर प्लांट ऐसे होने चाहिए जो कि एंडेमिक हैं एटलीस्ट, और उसमें से 70% का डिस्ट्रक्शन हो गया होना चाहिए, कि जो कि ओरिजिनल जो नेचुरल वेजिटेशन था उस एरिया का, उसमें से 70% ऑलरेडी लॉस हो चुका है। तो ये दो क्राइटेरिया अगर कोई एरिया फुलफिल कर रहा है तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का उपाधि तो कभी नहीं कहनी चाहिए इसको, मतलब उसको फिर हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कह सकते हैं। अब ये करने के बाद तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वर्ल्ड में कितने हैं, ये तुमको पता होना चाहिए कि 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है टोटल
टोटल वर्ल्ड में, और मैक्सिमम जो तुम देखोगे वो ट्रॉपिकल एरिया में। अब आई एम नॉट सेइंग कि सारे 36 को याद कर लो, लेकिन एक क्विक ग्लांस रखना चाहिए कि ठीक है ये 36 हैं, तो थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। इंडिया वाले तो चार नो डाउट याद ही होने चाहिए, लेकिन 36 के बारे में अगर थोड़ा सा आइडिया हो, एक बार देख रखा हो तुमने, एक बार मैप पे देख रखा हो, तो एडेड बेनिफिट है। ठीक है, एक बार देख लिया अब याद रहेगा, मतलब याद नहीं रहेगा लेकिन एक आइडिया रहेगा। और ये तो खैर ये तो डिस्कस ही हो गया कि चार बायोडाइवर्सिटी एरियाज़ हैं इंडिया में, एक ये हिमालयन हो गया, ये एक इंडो बर्मा रीजन हो गया, ये वेस्टर्न घाट्स हो गए, और इधर वाला एरिया सुंडालैंड, ये इधर देखोगे तो ये पूरा ये एरिया है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्ट्रियल्स के बारे में है। तो लैक्ट्रियल्स आर प्रेजेंट इन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लैक्ट्रियल्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इनका काम क्या होता है थोड़ा सा पता होना चाहिए तुमको। ये बेसिकली हेल्प करते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स एंड हेल्प इन देयर एब्जॉर्प्शन। अब इन केस अगर आपको ऐसे टॉपिक्स नहीं आते हैं अभी तक, अगर आपकी बायो वीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको साइंस का BCW का मॉड्यूलर कोर्स लेके जल्दी से ख़त्म कर लेना चाहिए, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप NCERT से या किसी टेक्स्ट बुक से बायो के टॉपिक्स को, फिज़िक्स के टॉपिक्स को, केमिस्ट्री के टॉपिक्स को कवर करोगे। अब टाइम इसका है कि आप किसी थोड़े से एक्सपर्ट को समझो, किसी को थोड़ा सा ट्रस्ट करो, और उसकी कराई हुई चीज़ों को जल्दी जल्दी कवर करो। ठीक है, तो अगर आपको बायो में दिक्कत है तो ये रिकमेंडेड है कि आप साइंस का BCW का मॉड्यूलर कोर्स ले लो, और वहाँ से साइंस अपनी कंप्लीट करके जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, फिर अगेन रिवाइज करो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अरे हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1973। फैक्चुअल एरर, नॉट 1973, इट वॉज 1972। 1973 में क्या हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर आया था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये स्टेटमेंट गलत हुआ तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट पूछ रहा है, इसकी आदत लगाओ करेक्ट देखने की, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि यहाँ इनकरेक्ट लिखा था और आते हुए क्वेश्चन को गलत कर लिया, वो बहुत ही ज़्यादा इतना खलेगा ना, नेगेटिव मार्किंग जब होती है तब तो और ज़्यादा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत हुआ तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब नाउ वी आर लेफ्ट विथ टू ऑप्शंस, या तो टू सही होगा या तो कोई भी सही नहीं होगा, तो 50-50 पे आ गया हम लोग। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बोथ टाइगर्स एंड लायंस। ठीक है, फैक्चुअल नॉलेज है, सही स्टेटमेंट है ये। इंडिया में लायंस कहाँ मिलते हैं, गिर में, और टाइगर तो खैर बहुत ज़्यादा है, टाइगर रिजर्व तो हमारे कंट्री में बहुत सारे हैं, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। सो अब देखो, अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं मिला हमें कि ठीक है इसमें ये भी पढ़ लेते, इसमें वो भी पढ़ लेते, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था और ये वैसे ही निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय खान अब्दुल गफर खान बिगिन फ्रॉम विच प्लेस। सो फैक्चुअल क्वेश्चन, उत्मानजी, उनके गांव का नाम उत्मानजिया, यहाँ से इनका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था। अगर सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो तुम रेस से बहुत पीछे निकलते जाओगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में आएंगे जो कि बहुत ही सिंपल होंगे, जो बहुत ही रिपीटेड थीम्स पे होंगे, और वो मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। मतलब मॉडर्न में, मॉडर्न क्या, साइंस में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो रिपीटेड थीम के होंगे, जो कि आते ही आते हैं, तो उनको तो गलत करने का सोच भी नहीं सकते हो तुम। सिंपल क्वेश्चन अगर 30 आ रहे हैं तो वो 30 के 30 सही होने चाहिए। इसमें कंपटीशन नहीं है, इसमें एलिमिनेशन है। अगर किसी का 30 में से
28 या 26 सही हुआ तो वो बहुत पीछे चला गया रेस के, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ये 30 में, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये 30 में 30 करेंगे। फिर जो मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं, अगर मॉडरेट क्वेश्चन 40 आए हैं तो 40 में कंपटीशन है कि 40 में कौन ज़्यादा सही कर पा रहा है, जो ज़्यादा सही करेगा वो थोड़ा सा आगे निकलेगा, तो यहाँ पे आगे निकलने की रेस है। लेकिन जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं उसमें पीछे जाने की रेस होती है, कि अगर तुम सिंपल क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो तुम एलिमिनेट हो रहे हो। ठीक है, तो इसका आंसर 67 का सी हो गया, सी फॉर कैलकटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चंपारण ट्रबल फॉर द फर्स्ट टाइम केम टू डिस्कशन इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये गलत हो रहा है तो रेस में पीछे जा रहे हो, लखनऊ सेशन। ठीक है, एक और चीज़, चंपारण सत्याग्रह, फिर रिवोल्ट ऑफ 1857, ये सारे इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, तो इनके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज लेते रहना है। कि अब बीपीएससी वैसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि बिल्कुल ही 1857 में बिहार की तरफ से कौन रिवोल्ट को लीड कर रहे थे, वो हो गया, मतलब पूछ लिया उन्होंने, तो अब उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पूछेंगे ना, तो एक्स्ट्रा पूछेंगे तो एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ी थोड़ी गेन करते रहो। ये तो ऑल दो रिपीटेड थीम पे ही है, ऐसा नहीं है कि ये कोई नया क्वेश्चन आया, लेकिन इसमें से तुमको नए फैक्ट्स निकालते रहने होंगे, चंपारण सत्याग्रह में, फिर 1857 के रिवोल्ट में, इस सब चीज़ों में निकालो फैक्ट्स, थोड़ा सा और पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, इसका आंसर था लखनऊ। विच डिस्ट्रिक्ट वॉज द नर्व सेंटर इन बिहार ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह। चलो अगर ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तुमसे तो फिर, तो फिर वही है, क्योंकि ये बिल्कुल ही एलिमिनेटर है। जो नहीं है बिहार के, जिन्होंने नहीं पढ़ा है बिहार स्पेशल, उनको शायद दिक्कत हो, लेकिन अगर तुम बिहार स्पेशल पढ़ चुके हो अगर ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो फिर तो बिल्कुल ही इसकी कोई माफ़ी नहीं है। करना क्या है, अगर नहीं किया हुआ बिहार स्पेशल आपका तो BCW का बिहार स्पेशल, कोई अल्टरनेट नहीं है, बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं है, बिल्कुल बेयर फैक्ट है कि अगर आपको बिहार स्पेशल पढ़ना है तो BCW का मॉडलर कोर्स से बेटर कुछ है ही नहीं, बिल्कुल ही ज़ीरो प्रमोशन वाली बात है। मतलब बार बार ये बोलना मेरा कि मॉडलर कोर्स ले लो या वो कर लो, आई डोंट प्रमोट दीज थिंग्स, लेकिन अगर आपको करना है कम टाइम में चीज़ों को तो आपको कहीं ना कहीं से करना ही होगा। और साइंस अगर आपको लगता है कि आप किसी NCERT वगैरह से कर सकते हो तो ठीक है, आप सोच सकते हो एक बार में, लेकिन बिहार स्पेशल के लिए तो कोई वो ही नहीं है, कोई ना सोर्स है, जिस टाइप के क्वेश्चन मॉडिफाई हो रहे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन अब आ रहे हैं, तो वो तो ये बिल्कुल मस्ट टू है। ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज़ ए फायरवॉल इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। अब 69 से देख रहे हैं हम लोग, कि 69 BPSC से कि थोड़े बहुत ना कंप्यूटर के सेगमेंट्स ऐड होने लगे हैं, थोड़े बहुत रीजनिंग के सेगमेंट ऐड होने लगे हैं, तो आपको थोड़ा अपडेटेड रहना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि बिल्कुल ही आप पुराने वाले तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा ना कंप्यूटर के बारे में, अब कैसे पढ़ोगे कंप्यूटर के बारे में, ऐसा तो नहीं कंप्यूटर की बुक ले लोगे और सब कुछ पढ़ना शुरू कर दोगे। तो क्या कर सकते हो कि जो इस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जैसे BPSC हो गया या MP वगैरह में या UPSC में, जहाँ पे भी कंप्यूटर पूछा जाता है ना, उनके कंप्यूटर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसमें जो चीज़ें पूछी जा रही हैं वो थोड़ी थोड़ी समझ लो। अब जैसे यहाँ से आपको फायरवॉल समझने का मौका मिल गया, तो फायरवॉल क्या होता है, ये देखो, ये आपका एक लैपटॉप है, ये घर पे ही एक और लैपटॉप है, ये आपके ऑफिस में, मतलब घर में ही आपने ऑफिस बनाया, ये आपका पर्सनल, ये आपका फ्रेंड मतलब छोटे भाई का लैपटॉप, ये आपका ऑफिस का लैपटॉप, ये सारे के सारे लोकल एरिया लैन से कनेक्टेड है, मतलब कि ये सारे जो सिस्टम है आपके ट्रस्टेड सिस्टम है। लेकिन अब मान लो आप इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हो, आप किसी और सर्वर से कनेक्ट हो रहे हो जो कि ट्रस्टेड नहीं है आपके लिए, तो उससे आपको एक फायरवॉल कनेक्ट प्रोटेक्ट करता है,
ठीक है। फायर वॉल का मतलब क्या हुआ, फायर भी है प्लस वॉल भी है। तो इस दीवार से अगर किसी भी हैकर को या किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को आपके सिस्टम को एक्सेस करना होगा या आपके सिस्टम तक आना होगा, तो उसको इस दीवार को क्रॉस करके आना होगा। इतना समझ रहे हो, अगर फायरवॉल सॉर्टेड है। अब एक बार स्टेटमेंट्स पढ़ के देखो, द फिज़िकल बाउंड्री ऑफ नेटवर्क नॉट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, नहीं ए सिस्टम डिज़ाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। यही समझा हमने, ये ऑथराइज्ड एक्सेस है लोकल एरिया नेटवर्क में। ये सारे आप इसको जानते हैं, राउटर से कनेक्टेड हो आप एक दूसरे से, तो आप देख एक दूसरे को जानते हो, तो यहाँ फायरवॉल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंटरनेट ने वर्ल्ड वाइड वेब में आप बहुत सारे लोगों को नहीं जानते हो, तो यहाँ पे एक फायरवॉल की ज़रूरत है। तो वर्ल्ड वाइड वेब आपको अनऑथराइज्ड फायरवॉल जो है आपको अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रिवेंट बचाता है। ए सिस्टम डिज़ाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। तो यही तरीका है, क्वेश्चन लगाओ और देख लो कि कहाँ पे दिक्कत हो रही। कंप्यूटर वगैरह में तो एक दिन बैठो और थोड़े थोड़े क्वेश्चन लगा के थोड़ा समझ लो, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आ गया आईसी पे, पहला क्वेश्चन आया किस पे, फायरवॉल पे, एक आईसी पे भी आ गया। अब आईसी क्या होती है थोड़ा सा समझ लेते हैं, आईसी क्या होती है। अब कभी अपना लैपटॉप या सीपीयू खोल के देखोगे ना, तो उसमें छोटी छोटी चिप्स, ऐसे छोटी छोटी चिप्स जो हैं, और उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स दिखते हैं। तो आईसी क्या हुई, असेंबली ऑफ कंपोनेंट्स विच इज फैब्रिकेटेड एज अ एज अ सिंगल यूनिट। मतलब उस एक सिंगल यूनिट पे सब कुछ लगा होगा, रेजिस्टर लगा होगा, कैपेसिटर लगा होगा, इंडक्टर लगा होगा, और ये सब कुछ एक यूनिट बन के काम करती है। इसी को इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। सिंपल, नो रॉकेट साइंस, इतना ही जानना है। अब इस पे पीएचडी करने नहीं बैठ जाना, कितने तरीके की होती है इतना नहीं पूछेंगे आपसे। कंप्यूटर अगर पूछेंगे तो बहुत सिंपल, बहुत ही बेसिक पूछेंगे, ठीक है। और इसके लिए मटेरियल कौन सा यूज़ किया जाता है, सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन शायद यही था, पूरा पढ़ा नहीं मैंने। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर आर मेड विथ सिलिकॉन, ठीक है। अब ये जब कर रहे हो तो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा नॉलेज ले लो कि फोटोलिथियोग्राफी क्या होती है। तो फोटोलिथियोग्राफी इज़ बेसिकली अ प्रोसेस दैट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के लिए एक प्रोसेस है जिसको यूज़ किया जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट की मैन्युफैक्चरिंग में। क्या होता है इसमें, इसमें लाइट का यूज़ किया जाता है एक पैटर्न को सिलिकॉन सबस्ट्रेट के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए। सपोज़ करो ये सिलिकॉन सबस्ट्रेट है और आपने एक पैटर्न इस टाइप का सोच रखा है कि ये ऐसा ऐसा पैटर्न इस पर मैं सुपर इम्पोज कर दूँ, तो उसके लिए लाइट को यूज़ करके और ये पैटर्न इस पर सुपर इम्पोज कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं फोटोलिथियोग्राफी। सिंपल क्वेश्चन आपसे क्या आएगा, प्रोसेस नहीं पूछेगा आपसे कोई कि एक्सप्लेन व्हाट इज फोटोलिथियोग्राफी। आपसे सिंपल पूछेगा कि फोटोलिथियोग्राफी इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब कुछ भी उसमें ऑप्शन हो सकते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी आईसी। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से थोड़े थोड़े नए क्वेश्चंस को हमको अपने नॉलेज बेस में ऐड करना है, ठीक है। चलो तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यील्डिंग द फ्लोर इन पार्लियामेंट्री पार्लेंस मींस। अब मे बी पॉसिबल है कि आपके लिए एक नया टॉपिक हो, नया टर्म हो, तो आएंगे आपके टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको ना तो किसी टीचर ने पढ़ाया होगा, ना तो आपकी किसी टेक्स्ट बुक में होगा। तो इससे दुखी नहीं होना है, इससे क्या होना है, खुश होना है कि ठीक है मुझे एक नया कॉन्सेप्ट पता चला कि जो कि मैं पहले ना तो किसी टीचर से पढ़ा था, मेरे कोर्स में भी नहीं कराया गया था, मेरे
टेक्स्ट बुक में भी नहीं था, मेरे नोट्स पे भी नहीं था। तो अच्छी बात है ना कि आपको एक नई कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल गया। अगर आपके नोट्स से ही पूरे 150 क्वेश्चन आ जाएं तो फिर फ़ायदा क्या है इस टेस्ट का? तो फ़ायदा तभी होगा ना जब इस क्वेश्चन से आप टेक अवे लेके जा रहे हो, क्वेश्चन से नए टॉपिक्स पढ़ रहे हो, फिर नई नई कुछ टर्म्स आपको पता चल रहे हैं, तभी फ़ायदा होगा ना। जैसे आपको सपोज़ करो फायरवॉल का मतलब नहीं पता होता तो आपके नॉलेज बेस में कुछ एडिशन हुई ना। वैसे ही मान लो आपको यील्डिंग द फ्लोर नहीं पता है किस बारे में होता है, नहीं पता है, तो आपको पता चलेगा कि ठीक है कि अलाउइंग द मेंबर्स टू स्पीक इन बिटवीन द स्पीकर, दिस इज़ कॉल्ड द यील्डिंग द फ्लोर। ठीक है, तो इसलिए टेस्ट सीरीज़ में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है ना तो उससे बिल्कुल भी वो नहीं होना चाहिए। उससे उल्टा ये होना चाहिए कि ठीक है चलो मुझे एक नई चीज़ पता चली जिसको मैं अपने नोट्स, हाँ ये ज़रूर करना कि अपने जो पॉलिटी के अब नोट्स हैं उसमें लिख लेना इसको कि ठीक है यील्डिंग द फ्लोर के बारे में मुझे पता चल गया। यील्डिंग द फ्लोर मीन्स द स्पीकर आस्किंग द अदर मेम्बर्स टू स्पीक वाइल बाई स्टॉपिंग ए मेम्बर हु इज़ स्पीकिंग एट प्रेजेंट। सपोज किसी मेम्बर को स्टॉप करके दूसरे को बोलने देना, इसी को बोलते हैं यील्डिंग द फ्लोर। इससे ज़्यादा आपसे कोई नहीं पूछेगा। अब इसके लिए परेशान भी नहीं होना है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, मैं वो सारे सोर्सेज भी पढ़ लेता हूँ। नहीं, कुछ क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज ही सिखाता है तो उसको वहीं से सीखो। ठीक है, कूल। तो आंसर इज अलाउइंग द अदर मेम्बर टू स्पीक इन बिटवीन द स्पीकर। कुछ स्टेटमेंट थोड़ा सा अजीब सा फ्रेम लग रहा है, चलो कोई नहीं। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। पहले आंसर बता देता हूँ। कैग के बारे में पता है कि अपॉइंट करते हैं, चीफ जस्टिस भी प्रेजिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी प्रेजिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, वाइस प्रेजिडेंट जो है इलेक्टेड बॉडी है, इसको अपॉइंट नहीं करते हैं प्रेजिडेंट। अब इससे इधर से टेक अवे क्या है हमारा, जिन्होंने कुछ लेक्चर्स शायद मेरे देख रखे हों या रिवीजन के बारे में मेरे से सुन रखा हो, तो मैं हमेशा ये बताता हूँ कि रिवीजन हमेशा ब्लैंक पेज पे होता है। उसके पहले ये बता दूँ कि जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ मेरे से की होगी, तो मैंने आपको ये बताया था कि एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ इनको अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ लो ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ठीक है सपोज़ करो कैग तो करती क्या है, अपॉइंट कौन करता है। एक बार टेक्स्ट बुक से पढ़ लिया तो मुझे आइडिया हो गया कि ठीक है ये इनका काम है, ये अपॉइंट करते हैं, ये रिमूव करते हैं, ये प्रोसेस है। एक बार मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट्स बैठ गए। अब लेकिन जब मैंने सारी बॉडीज़ पढ़ ली तो अब मेरा काम क्या है कि मैं एक टेबल बनाऊँगा, ठीक है, इस टाइप का टेबल बनाऊँगा। उसमें लिखा होगा कि बॉडी किस, कौन सा आर्टिकल इस बॉडी से रिलेटेड है, स्टेटस, स्टेटस का मतलब क्या हुआ कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, अगर इसके मेंबर हैं या चेयरमैन है तो उनका टेन्योर क्या है, इनको अपॉइंट कौन करता है इनके मेंबर्स को, इनका रिमूवल प्रोसेस क्या है, फिर कुछ एडिशनल पॉइंट क्या हो सकती है। सपोज़ करो मैंने लिखा चीफ इलेक्शन कमीशन, बॉडी हो गई, इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, 324, ठीक है। स्टेटस क्या है, कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। टेन्योर क्या होता है इनका, या तो 6 ईयर्स नहीं तो 65 ईयर्स। अपॉइंट कौन करता है इनको, प्रेसिडेंट। रिमूवल इनका कैसे होता है, प्रेसिडेंट सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट जज। एडिशनल पॉइंट क्या लिख सकते हो, अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है कौन, और क्या लिख सकते हो, मेंबर्स कितने होते हैं, 1+2, ठीक है। तो इस टाइप के एडिशनल पॉइंट्स लिख सकते हो, ये लिख दिया सीईसी के लिए। फिर सपोज़ करो दूसरी बॉडी कौन सी लें, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन से आर्टिकल कौन सा रिलेटेड, 280। स्टेटस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। टेन्योर क्या होता है, यहाँ नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि प्रेसिडेंट विल डिसाइड, ठीक है। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। रिमूव कौन करता है, प्रेसिडेंट। एडिशनल पॉइंट क्या लिख सकते हो, अभी फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, करंट भी तुम्हारा अपडेट हो रहा है ना, या और क्या लिख सकते हो, मेंबर कितने होते हैं, 1+4, ठीक है। अगला क्या लिया जाए, कैग।
टैक्स रिलेटेड आर्टिकल 148, स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशनल, टेन्योर 6 ईयर 65 ईयर्स, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट, रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। एडिशनल पॉइंट क्या लिख सकते हो, नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट। तो देख रहे हो, ये तो 3 का एग्जांपल दिया मैंने, अब तुमको क्या करना है। अगर तो तुम टैब वगैरह से पढ़ते हो तो एक इस टाइप का टेबल बना लो। एक बार ये पूरा टेबल बनाओ, इसको साइड रख दो, ठीक है। इस टेबल का एक डुप्लीकेट टेबल बनाओ, उसको ब्लैंक रखो, इस टाइप से ब्लैंक रखो। सुबह बैठो और पूरा टेबल खुद से फिल करने की कोशिश करो। यहाँ भले ये लिख दो CEC, फाइनेंस कमीशन, CAG, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल क्लासेस, NCST, फिर CBI, CVC, CIC, ये सब लिख दो, ठीक है। और उसके बाद इसको फिल करो, देखो फिल हो रहा है कि नहीं। नहीं फिल हो रहा है, जाके रिवाइज करो। तरीका यही है रिवीजन का। अब अगर आप टैब से नहीं पढ़ते हो, आप पेन पेपर से पढ़ते हो, फिर आप क्या कर सकते हो, एक A4 शीट पे इस टाइप का टेबल बनाओ, उसके फोटोकॉपी करा लो ब्लैंक टेबल के। एक बार लिखो, उसको साइड रख लो कि वो तुम्हारा फेयर बनाया हुआ टेबल है, उसको साइड रख दो, उसको उससे रिवाइज कर लिया करो। लेकिन उसके जो ब्लैंक फोटोकॉपी कराए तुमने, उसमें मल्टीपल बार लिख लिख के देखा करो। लिख पाए तो ठीक है, उसको फेंक दो। फिर नहीं लिख पाए तो जहाँ अटके वहाँ जाके चेक करो, दोबारा लिखो। तो दोनों के लिए बता दिया मैंने, टैब से अगर आप पढ़ते हो तो उसके लिए बता दिया, और पेपर मोड पे पढ़ते हो तो उसके लिए बता दिया। तो ये तरीका होता है। इस टाइप से आपको अपने रिवीजन स्ट्रैटेजी को, अपनी क्या उसको कहते हैं, मेमोराइजेशन स्ट्रैटेजी को मोल्ड करना पड़ता है। तो ये जो लोग पढ़े थे कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ मेरे से, तो उनको पता होगा कि ये मैंने पहले भी टेबल बनाने के लिए बोल रखा है। मैंने टेबल एक बना के भी दिखाया था कि टोटल एक बड़ा सा टेबल कैसे बनाना है, तो उसी का छोटा सा एग्ज़ाम्पल दिया मैंने, ठीक है। तो बहुत टाइम नहीं लगाते हैं। तो उसमें आपको अब ये सिंपल है आपके लिए कि CAG, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट को नहीं अपॉइंट करते। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, अब एक और मज़े की चीज़ दिखाएंगे। अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फ्रॉम द लास्ट डायनेस्टी टू द फर्स्ट वन दैट रूल्ड ओवर द दिल्ली सल्तनत। 74th क्वेश्चन है। अब दो कैच हैं। पहला तो कैच है कि फ्रॉम द लास्ट डायनेस्टी टू फर्स्ट डायनेस्टी, तो ये गलती प्लीज़ बिल्कुल मत करना कि तुमने फर्स्ट से लास्ट रख दिया था, कि यहाँ सबसे पहले ममलूक आ गई, उसके बाद उसके बाद आपकी खिलजी आ गई। तो अगर वो गलती की है ना, तो प्लीज़ इस पे वर्क करो। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ते टाइम आपके पास पेन है, मार्क कर दिया करो, लास्ट डायनेस्टी टू फर्स्ट बताना है, तो जो सबसे बाद में आई वो सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे बाद में, उस हिसाब से आंसर आपका बी होगा। सबसे बाद में आई है आपकी सैयद, तो उल्टा सोच लेते हैं। उल्टा अगर मतलब आपको सीधा याद है तो वैसे कर लेते हैं। सबसे बाद में, सबसे पहले आइए ममलूक, उसके बाद आइए खिलजी, उसके बाद आइए तुगलक, तुगलक के बाद आइए सही। तो आंसर ये होगा, होपफुली आप, अच्छा आपके लिए वो सही वाला ऑप्शन बना भी नहीं है। अगर बहुत ही कनिंग एग्जामिनर होते तो वो एक ऑप्शन ये भी रखते, ठीक है, जो कि बहुत लोग टिक करके आते। अब इस क्वेश्चन से टेक अवे क्या है, सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि आपको एक टाइमलाइन याद होनी चाहिए, मास्टर टाइमलाइन आपको याद होनी चाहिए। मास्टर टाइमलाइन क्या होती है, अगर आपसे कोई नींद में भी उठा के पूछे कि क्या तुम मुझे पैलियोलिथिक एज से लेके 1947 के इंडिपेंडेंस तक पहुंचा सकते हो, तो आपका आंसर होना चाहिए कि यस। नींद में भी पूछोगे मेरे से तो मैं तुमको पैलियोलिथिक एज से लेके 1947 तक पहुंचा दूंगा, एक एक इवेंट बताते हुए। एक एक इवेंट का मतलब है कि एक एक मेजर इवेंट बताते हुए। अगर ये मास्टर टाइमलाइन आपको याद हो जाती है
तो फिर आप कितने भी फैक्चुअल चीज़ें उसमें प्लग इन कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, इसको 2-3 बार लिखोगे ना तो ये याद हो जाएगी, ठीक है। चलो तो ट्राई करते हैं लिखने की। सबसे पहले पैलियोलिथिक एज, टू मिलियन से 10,000 BC तक। थोड़ा सा ना जब लिखते हो तो इसकी इम्पॉर्टेंट या जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो लिख लिया करो। अब पैलियोलिथिक एज में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ हुई वो हुई फायर की डिस्कवरी, ठीक है। पैलियोलिथिक एज के बाद मीज़ोलिथिक एज, ये कब से कब, 10,000 BC टू 8,000 BC। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एनिमल रेयरिंग शुरू हुई। ठीक है, मेज़ोलिथिक के बाद नियोलिथिक, 8,000 to 4,000 BC। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एग्रीकल्चर आया, प्लस चक्का भी आ गया, व्हील, ठीक है। फिर आया चाकोलिथिक, कब से कब, 4,000 BC टू 1,500 BC। इसी में आपका आया IVC, IVC कब से कब, 1,300 BC टू 1,500 BC। इसमें भी थोड़ा सा याद रखो, अर्ली मैच्योर लेट। अर्ली हुआ आपका 3,300 टू 2,700, मैच्योर हुआ 2,700 टू 1,900, और लेट हुआ आपका 1,900 टू 1,500, ठीक है। ये समझ जाना 100 लिखा है, ठीक है। इसके बाद आपका आया आयरन एज, आयरन एज कब से कब, 1,500 BC टू 200 BC, ठीक है। इसके अंदर आया अर्ली वैदिक, अर्ली वैदिक कब हुआ, 1,500 BC टू 1,000 BC, और एक आया लेटर वैदिक, लेटर वैदिक, लेटर वैदिक कब से कब, 1,000 से 200। इसमें क्या इम्पोर्टेंट हुआ, आयरन की डिस्कवरी हुई लेटर वैदिक में, ठीक है। फिर आए आपके महाजनपदास, अब इसमें मगध वगैरह की वो पूरा टाइमलाइन आपको याद होना चाहिए। थोड़ा सा कट शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब वो फिर हो जाएगा, पूरी हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। फिर एक आएगा आपका मौर्यन, मौर्यन के बाद पोस्ट मौर्यन, फिर गुप्ता। थोड़ा सा ओवरलैप भी होता है, लेकिन मेजर मेजर तो आपको पता होने चाहिए ना। हर्षवर्धन, अब इनकी इम्पॉर्टेंट चीज़ भी पता होनी चाहिए, कि अगर मैंने ये टाइमलाइन में लिख रहा हूँ तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि ठीक है कहाँ पे कौन आया है, किधर कौन सी बैटल हुई है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है। तो उससे ये होगा ना कि आप एक एक चीज़ रिवाइज नहीं कर रहे हो, आप बस एक टाइमलाइन लिख रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे थोड़ी बहुत टेंशन ख़त्म होती है और शुरू होता है हमारा यहाँ से मेडिवल, ठीक है। मेडिवल का स्टार्ट कैसे करते हैं, दो इम्पॉर्टेंट वॉर्स पता होनी चाहिए आपको। पहली वॉर कौन सी, फर्स्ट वॉर ऑफ तराई, और दूसरी कौन सी है, सेकंड वॉर ऑफ तराई। इसमें मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, जिसमें मिस्टर गौरी जीत गए थे, और स्टैब्लिश होता है हमारा स्लेव डायनेस्टी। कब, 1206।
ठीक है, स्लेव डायनेस्टी को और क्या बोलते हैं, ममलूक डायनेस्टी। स्लेव के बाद आती है खिलजी, खिलजियों का परचम अमर रहे। फिर आती है तुगलक, फिर आती है सैयद, फिर आते हैं लोदी। थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट इनके बारे में अगर पता है तो वेल एंड गुड, लेकिन टाइमलाइन तो पता होनी चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बताता हूँ। ये है दिल्ली, ठीक है, इसके बाद इब्राहिम लोदी डिफीटेड बाय बाबर इन 1526। कौन सी वॉर है ये? फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत। और यहाँ पे क्या हो जाता है, मुगल डायनेस्टी आ जाती है। फिर मुगल डायनेस्टी में आपको पता है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, फिर लेटर मुगल्स। लेटर मुगल्स की भी एटलीस्ट किंग्स के नाम पता होने चाहिए। फिर आ गए आप ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स में आपको क्या पता होना चाहिए कि सबसे पहले यूरोपियंस पे कैसे इन्होंने हटाया, किस ऑर्डर में हटाया, फिर इंडियन डायनेस्टीज़ को कैसे हटाया, फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट कैसे शुरू हुआ, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, फिर आपके नेशनल मूवमेंट, नेशनल स्ट्रगल, फ्रीडम मूवमेंट, उसकी सारी एक एक डिटेल। तो ये देख रहे हो कि कैसे ये एक आपकी मास्टर टाइमलाइन बनी, जो पैलियोलिथिक से लेके और ये एंड होनी चाहिए आपकी 1947। समझ रहे हो? तो कोई भी आपसे कभी भी पूछे ना कि ये मास्टर टाइमलाइन आपको पता है कि नहीं, तो वो आपको क्लियर रहनी चाहिए कि हाँ मास्टर टाइमलाइन मुझे आती है। ठीक, अब देखो क्यों कह रहा हूँ मैं टाइमलाइन आनी चाहिए। ये क्वेश्चन क्या था? कुछ नहीं था, सिर्फ आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए कि कौन सी डायनेस्टी पहले आई। तो बहुत स्टूडेंट्स कह रहा था कि मुझे मेडिवल का बिल्कुल आइडिया नहीं है, नहीं समझ आ रहा क्या करना है। एटलीस्ट ये टाइमलाइन तो याद रखो, जो बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे वो तो करके ले जाओगे। बताया ना 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन जो बहुत सिंपल आते हैं वो गलत नहीं करने हैं। वो किसी भी सेगमेंट के हों, वो साइंस के हों, वो मेडिवल के हों, वो मैथ्स के हों, वो कहीं के भी हों, वो जो सुपर सिंपल क्वेश्चन है वो गलत करोगे तो एलिमिनेट होगे। इट इज़ नॉट अबाउट सिलेक्शन, इट इज़ अबाउट एलिमिनेशन इफ़ यू गेट द ईजी क्वेश्चंस रॉन्ग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स वॉज नॉट फॉट बाई बाबर। अब आंसर इसका तो तुरंत पता लग जाना चाहिए कि अगर आपको ये नहीं पता है, ये तो खैर पता ही होगी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये तो सब बच्चे को पता होते हैं। इन केस आपको ये दोनों नहीं पता है, बैटल ऑफ चंदेरी तो पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि ये आपके बिहार स्पेशल में ही पढ़ाया गया। आपको किसके किसके बीच में ये क्या कहते हैं, एक्सक्यूज मी, सॉरी। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन आपको इजीली पता होना चाहिए। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग, चलो अब एक चीज़ आपको और बतानी है, इम्पोर्टेंट बैटल्स तो निकल गया, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा श्रीमानता शंकर देव। अब पहला आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि क्यों पूछा गया ये क्वेश्चन। उसके पहले एक और चीज़ कि पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन को कुछ आपको प्रिपेयर करके रखना होगा। दो तरीके से आप प्रिपेयर करोगे। पहला, ऐसी पर्सनालिटीज़ को आप प्रिपेयर करोगे जो कि न्यूज़ में रही हैं या तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर है। जैसे कि अगर आप फ्रीडम मोमेंट में देखोगे तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस आपको 30 से 35 ऐसी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ मिल जाएंगी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वो उन पे क्वेश्चन आएंगे तो वो मैं दिखा दूंगा। कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी आएंगी जो किसी न किसी रीज़न से न्यूज़ में नहीं है। जैसे इनके बारे में देखो, श्रीमंत शंकरा देव, क्यों क्वेश्चन फ्रेम किया गया, इनकी जो गुरुजना है, जो म्यूज़िकल ट्रिब्यूट है, जो गुरुजना बना है, ये एक म्यूज़िकल ट्रिब्यूट है किस पे, 15th और 16th सेंचुरी असमीज पॉलीमैथ श्रीमंत शंकरा देव। तो ये गुरुजना बना और पीआईबी ने इसको मेंशन किया, इसकी वजह से ये न्यूज़ में आ गए। ठीक है, गुरुजना क्या है, म्यूज़िकल ट्रिब्यूट है। तो यहाँ से ये जो पर्सनालिटी है ट्रिगर हो गई, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आपको मिला। तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स में जो वॉल्यूम 2 आया है करंट अफेयर्स का, उसमें जो आप फर्स्ट के 5-6 पेजेस देखोगे, उस सेगमेंट का नाम है स्पॉटलाइट। उसमें ऐसी ही पर्सनालिटीज़ के बारे में बताया गया है। कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी हो सकती हैं जो कि किसी मूवी सीरीज़ में आ गई, किसी पे कोई वेब सीरीज़ बन गई, किसी पे कोई मूवी बन गई, किसी का 150th बर्थ एनिवर्सरी हो गया, तो वो पर्सनालिटीज़ न्यूज़ में हो जाती हैं। तो ऐसे करके आपको 10-15 पर्सनालिटी मिल जाएंगी। फिर मैंने क्या बताया, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस 1885 के बाद से 30 से 35 आपको यहाँ से पर्सनालिटीज़ मिल जाएंगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कुल मिला के 40-50 पर्सनालिटी है। अब इन पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन पे बिल्कुल पीएचडी कर लो, लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक पता रखो, जिससे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ईजिली सॉल्व कर पाओ आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो बेसिक आपको पूछा गया है, ये बस इसलिए पूछा गया है ताकि आपको एक नॉलेज दिया जा सके। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव। अब इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, इनके बारे में एक्सप्लेनेशन में बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है कि कौन थे, वैष्णव सिंह थे, फिर इन्होंने क्या क्या लिटरेरी क्रिएशंस किए हैं। तो ये आप एक्सप्लेनेशन से पढ़ोगे। इस क्वेश्चन से हमारा टेक अवे क्या था ये आपको समझ आना चाहिए। और 75 मुझे लग रहा है कि कनेक्शन लॉस हो गया था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से कर लेते हैं। तो बैटल ऑफ कन्नौज क्या है, बैटल ऑफ कन्नौज है शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं। बैटल ऑफ घाघरा क्या है, बाबर वर्सेस अफगान। बैटल ऑफ पानीपत क्या था, अभी हमने टाइमलाइन में भी देखा, बाबर वर्सेस लोदी। और बैटल ऑफ चंदेरी क्या है, बैटल ऑफ चंदेरी है बाबर वर्सेस राजपूत। ठीक है, तो कौन सी बैटल हुई जो कि जिसमें बाबर नहीं है, बैटल ऑफ कन्नौज। सो द राइट आंसर विल बी दिस। ठीक है, ये मुझे लग रहा था कि वहाँ पे कुछ अटक सा गया। चलो आगे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बोधिसत्व ऑफ कंपैशन। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर बीपीएससी को क्वेश्चन थोड़ा टफ करना होगा ना, तो मॉडर्न से नहीं पूछेगा वो, एंशेंट से क्वेश्चन पूछ लेगा, और एंशेंट से अपनी रिपीटेड थीम्स पे नहीं पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि ये वाला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, किसने प्रिसाइड किया था, किसने करवाया था, हो गया वो, मतलब पूछ लिया उन्होंने, मतलब पूछते हैं वो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं वो कि वो अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर उनको क्वेश्चन थोड़ा टफ करना होगा तो वो कहाँ जाएंगे, बोधिसत्व के कॉन्सेप्ट पे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल टर्म भी हो जाता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी आपको पता होना चाहिए और थोड़ा सा आपको फैक्चुअल नॉलेज भी इसकी होनी चाहिए। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही अंदर जाके एंशिएंट पढ़ो, एटलीस्ट जितना बता रहा हूँ अभी उसको तो कर लेना, ठीक है। तो पहला कि बोधिसत्व होता क्या है। बोधिसत्व बेसिकली वैसे लोग हैं जिनको इनलाइटनमेंट मिल गई है, मतलब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, लेकिन वो मोक्ष की तरफ उतना भी नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? अपने पैराडाइज को वो डिले कर रहे हैं ताकि वो दूसरों को गाइड कर सकें वहाँ जाने के लिए। इसका बेसिक एग्जांपल समझो, सपोज़ करो बहुत सारे लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें से ये जो एक बंदा है इसने पेपर को डिकोड कर लिया, इसको समझ आ गया है कि पेपर कैसे निकलेगा, लेकिन ये अपने सिलेक्शन को डिले कर रहा है। क्यों? इन सब के लिए, ये अभी इनको गाइड कर रहा है कि PYQs लगाओ, सिलेबस पढ़ो, प्रैक्टिस करो, स्टैंडर्ड सोर्सेज से पढ़ो, तभी तुम्हारा UPSC निकल पाएगा। तो ये चाहता तो क्या कर सकता था, इसने एग्ज़ाम को डिकोड कर लिया, ये चाहता तो सीधे सिलेक्शन ले सकता था, लेकिन ये जो निर्वाणा है इसको ये डिले कर रहा है। क्यों? ताकि ये इनको गाइड कर सके। तो ही इज़ अ बोधिसत्व, ठीक है। बेसिकली यही है, थोड़ा सा अगर एनालॉग क्रिएट करके हम देखें। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें कि चार वर्च्यूज़ क्या होती हैं बोधिसत्व की। वर्च्यूज़ का मतलब कैरेक्टरिस्टिक, उसके क्या गुण होने चाहिए बोधिसत्व के। तो पहला मैत्री, मैत्री का मतलब क्या हुआ, लविंग होना चाहिए वो, काइंडनेस होनी चाहिए उसके अंदर। फिर उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब एनिमिटी, मतलब सबको वो समान भाव से देखे, एक इक्वालिटी उसकी नज़रों में रहे। फिर करुणा, करुणा मतलब कंपैशन, मतलब उसके अंदर करुणा को कैसे बताएंगे, मतलब दूसरों के दुख को समझ सके वो, ऐसा नहीं हो कि बहुत ही डिसोसिएटेड रहे बाकियों के दुख से। फिर मुदिता, मुदिता का मतलब एम्पैथेटिक जॉय, मतलब कि दूसरों की खुशी में उसको सच में खुशी हो, ठीक है। तो ये चार वर्च्यूज़ होते हैं बोधिसत्व के। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई वैसे ही बात बनाने वाली बात है, कि चार क्वालिटीज़ बताने वाली बात है। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द फोर वर्च्यूज़ ऑफ बोधिसत्व, तो यही चार वर्च्यूज़ हैं। नेक्स्ट क्या इम्पॉर्टेंट है कि चार इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट बोधिसत्व के नाम आपको पता होने चाहिए। इसके साथ साथ अब देखो, जो बोधिसत्व है ना, कि वो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ बुद्धा को वो एक डिनोट करते हैं। मतलब जैसे अवलोकितेश्वरा है तो ये बुद्धा के कंपैशन को डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छे से लिख दे रहा हूँ क्योंकि इतना कर लो बोधिसत्व में तो मोर देन इनफ है आपके बीपीएससी के लिए। 8 प्रोमिनेंट बोधिसत्व पता होने चाहिए, 4 वर्च्यूज़ पता होने चाहिए, बोधिसत्व का बेसिक मीनिंग क्या है ये पता होने चाहिए। जो बोधिसत्व हैं दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट
एस्पेक्ट्स ऑफ बुद्ध। अब अवलोकितेश्वरा क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कंपैशन। मंजुश्री क्या करते हैं? विजडम। समंतभद्रा क्या करते हैं? एक्सक्यूज मी, एस्पिरेशन। कीर्ति गर्भा क्या करते हैं? मेरिट। मैत्रेय क्या करते हैं? एक्टिविटी। वज्रपाणी क्या करते हैं? पावर। सर्वनी निर्वाणा ये क्या करते हैं? क्वालिटीज। और अक्षाग्रभा क्या करते हैं? ब्लेसिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा यही था कि विच अमंग द फॉलोइंग बोधिसत्वा इज द बोधिसत्व ऑफ कंपैशन। कंपैशन के कौन है? अवलोकितेश्वरा। तो ज़रूरी नहीं है ना कि यही पूछे कोई कि कंपैशन का कौन है, वो तो ये भी पूछ सकता है कि विजडम का कौन है, एस्पिरेशन का कौन है, मेरिट का कौन है, एक्टिविटी का कौन है, पावर का कौन है, क्वांटिटी का, क्वालिटी का कौन है, ब्लेसिंग का कौन है। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आया तो इससे मैंने क्या टेक अवे किया, कि मुझे बोधिसत्व का एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल जाए, मुझे बोधिसत्व की वर्च्यूज़ के बारे में पता चल जाए, चार जो वर्च्यूज़ हैं, और कौन सा बोधिसत्व क्या डिनोट करता है, आठ जो इम्पोर्टेंट बोधिसत्व हैं उनके बारे में थोड़ा सा पता चल जाए। इतना करने के बाद अगर थोड़ी सी और हिम्मत हो तो एक ये काम कर सकते हो कि मैत्रेय के बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट जान सकते हो कि इनको सक्सेसर ऑफ गौतम बुद्ध बोला जाता है। एक और चीज़ जो ये वज्रपाणी और अवलोकितेश्वरा मंजूश्री जिनके फ़ोटो लगाए मैंने, ये तीन प्रोटेक्टिव डीटीज़ हैं जो बुद्धा के राउंड रहते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द डीटीज़ हु आर अराउंड बुद्धा, वन ऑफ द थ्री डीटीज़ हु आर अराउंड बुद्धा, तो उनमें से तीन हैं, मतलब तीन वो कौन से हैं? वज्रपाणी हैं, जिनकी जिनकी फ़ोटो लगाई ना वही हैं, अवलोकितेश्वर हैं और मंजूश्री। ठीक है, इतना समझो बोधिसत्व में, मोर देन इनफ है आपके लिए। ठीक है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी मतलब कि उतना भी नहीं, परेशान नहीं हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपा मार्क द स्पॉट वेयर बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन। अगेन वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, थोड़े आपके ट्रेंड से अलग हटके, तो हो सकता है कि आपको दिक्कत आई हो कि ठीक है क्या होगा, कैसे बनेगा ये, तो परेशान नहीं होना है, नॉलेज बढ़ानी है ऐसे क्वेश्चन से। इन क्वेश्चन को देख के डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है कि यार ये तो आता ही नहीं था मुझे, एंशेंट इतनी पढ़ ली अभी तक नहीं समझ आया ये, तो क्या करोगे, सिंपल क्या करोगे आप कि पूछा क्या है, विच ऑफ द, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपाज मार्क द, अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि स्तूपाज इम्पॉर्टेंट एक थीम हुए, जो थोड़े बहुत स्तूपाज मुझे पता होने चाहिए कि कौन सा स्तूपा किस लिए है। तो पहले आंसर बता देता हूँ, धन में एक स्तूपा है जहाँ पे पहला सर्मन दिया था इन्होंने बुद्धा ने। अब देखो लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट स्तूपाज, ये जो इस लिस्ट बताई है, इतने स्तूपा, अगर आपको बेसिक पता है कि इनकी लोकेशन क्या है और किस लिए फेमस है, मोर देन इनफ आपके लिए काम कर जाएगा। जैसे कि रामबार स्तूपा कहाँ है, कुशीनगर यूपी में, इसको और क्या बोला जाता है, मुक्त बंधन चैत्य, एक्सक्यूज मी, फर्स्ट रेलिक शारीरिका, ये कहाँ पे है,
भी मैं बस क्या कर रहा हूँ कि आपको बस लोकेशन बता दे रहा हूँ और आपको उस स्तूपा का नाम बता दे रहा हूँ जो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बारे में एक दो फैक्ट, दो तीन फैक्ट थोड़ा बहुत भी देख लोगे ना तो हो जाएगा आपका काम। केसरिया स्तूपा कहाँ है? ईस्ट चंपारण में। क्यों इम्पोर्टेंट है ये आप थोड़ा सा देखोगे। बैरत स्तूपा कहाँ पे है? ये है विराट नगर में। कहाँ वाला? राजस्थान, ठीक है। इसको चलो बता ही देते हैं, इसको ये भी बोलते हैं बिजक की पहाड़ी, मतलब इंस्क्रिप्शंस ऑफ हिल, सॉरी हिल ऑफ इंस्क्रिप्शन। सांची स्तूपा कहाँ है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी। बरुड स्तूपा कहाँ है? सतना डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। यक्ष यक्षिणियाँ मिलते हैं या जातक टेल्स मिलते हैं, तो ऐसे ही पता होना चाहिए कि ठीक है लोकेशन पता हो गई, थोड़ा सा बेसिक उसके बारे में पता चल गया, ठीक है। फिर अपना धामेक स्तूपा जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ पे ये? सारनाथ में। और इम्पोर्टेंट है इसको क्या बोला जाता है? स्पॉट ऑफ ऋषि पटना, मतलब यहाँ ये वो जगह है जहाँ पे बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन दिया था टू हिज फर्स्ट 5 डिसाइपल। और वहाँ पे क्या उन्होंने बुद्धा ने क्या बताया कि 8 फोल्ड पाथ क्या है, इसके बारे में बताया। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो गया, फर्स्ट सरमन दिया, ठीक है। अमरावती स्तूपा ये थोड़ा सा देख लोगे क्या, कहाँ पे? ये पालनंदू, पालनंदू डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, ठीक है। कौन से रिवर के किनारे है? कृष्णा। जिसने मैपिंग की है मेरे साथ उसको पता होगा कि मैपिंग हमने कैसे की थी और कैसे रिवाइज किया था। तो टाइम आ गया है कि मैपिंग वाली जिसने भी क्लास कर रखी है ज्योग्राफी सेगमेंट में वो एक बार फिर से कर लेगा, और जैसे जैसे मैंने रिवाइज करवाया था उसको दोबारा रिवाइज कर लेगा, ठीक है। ये देख लिया, सही तो बन गया। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज़ नॉट रिलेटेड टू द पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया। तो सिंपल है, अलग कमेटी है, तेंदुलकर कमेटी भी है, रंगाराजन कमेटी भी है, राजा चेलिया कमेटी ये नहीं है, तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। और ये किससे रिलेटेड है? ये है टैक्स रिफॉर्म्स रिलेटेड। तो यहाँ से क्या समझ आया कि ठीक है इकोनॉमिक्स है तो इसमें मुझे पॉवर्टी एस्टिमेशन की एटलीस्ट कमेटीज़ के नाम पता होने चाहिए, कौन कौन सी कमेटी बनी है पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए, ठीक है। तो इससे और कैटेगर होना चाहिए कि मुझे बाकी भी कमेटीज़ पता होनी चाहिए, कि मुझे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए कौन कौन सी कमेटी है ये पता होनी चाहिए, कि अगर ऐसा क्वेश्चन बन रहा है तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए अगर यहाँ पे सिंपल ये लिखा होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़ इज़ रिलेटेड, एक्सक्यूज़ मी, रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, तो क्वेश्चन बदल जाता है ना। तो देखो पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए कौन कौन सी कमेटी है? VM दांडेकर एंड रथ पॉवर्टी कमेटी, ठीक है। अलग कमेटी ये देखा हमने ऑप्शन में, लकड़वाला कमेटी ये नहीं देखा शायद, रंगाराजन कमेटी, तेंदुलकर कमेटी। तो इस टाइप से आपको अपना रिवीजन फ्रेम करना है, क्वेश्चन देखा, टॉपिक देखा और उसको रिवाइज कर लिया। अब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं कि हर के डिटेल्स आपको पता हूँ कि इसमें पॉवर्टी लिमिट के लिए ये क्राइटेरिया सेट किया गया है, इसमें 35 रुपये, इसमें 40 रुपये, इसमें इतनी कैलोरीफिक वैल्यू, नहीं उतना नहीं करो क्योंकि उतना ROI नहीं है और उस लेवल पे क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते। तो बेसिक बेसिक समझो अपना, ठीक है। यार इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो स्किप भी नहीं किया जा सकता है। विच अमंग द फॉलोइंग ऑयल सीड क्रॉप्स आर नॉट कवर्ड अंडर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस बहुत न्यूज़ में रहा था तो इम्पॉर्टेंट भी है और पता होना चाहिए। एक दो कन्फ्यूज़न होती है इसमें स्टूडेंट्स को, वो मैं क्लियर करा देता हूँ अभी जल्दी से, ठीक है। तो इसका आंसर है लिनसीड, सेसमे ग्राउंडनट और नाइगर सीड ये होते हैं। अब देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेसिकली है क्या, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के टाइम कुछ फिक्स्ड वैल्यू कर देती है
कि इतने पे गवर्नमेंट आपसे प्रोक्योर कर लेगी इस क्रॉप को, एक लिस्ट डिफाइन की जाती है और उस क्रॉप के लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम प्राइस दिया जाता है कि अगर आपको मंडी में उतना प्राइस नहीं मिल रहा है तो अपने क्रॉप को ले जाके आप गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट सेंटर पे उतने का तो बेच ही सकते हो। सपोज़ करो 30 रुपये का है, 30 रुपीज़ पर केजी का वीट मिल रहा है, वीट के लिए MSP मान लो डिसाइड हुआ है अगर आपको मंडी में 50 रुपये मिल रहे हैं तो आप 50 में बेच के आओगे, लेकिन अगर मंडी में रेट 25 रुपये हो गए हैं तो आप नहीं बेचोगे, आप गवर्नमेंट प्रोक्योर सेंटर पे चले जाओगे। बेसिकली यही मतलब है MSP का, ये मोस्ट प्रोबेबली सबको पता ही होगा। मेरा मोटिव कुछ और बताना है कि MSP का फ्लो कैसे होता है, कौन अनाउंस करता है, कौन रिकमेंड करता है, कौन अप्रूव करता है। तो ये जो है CACP, ये क्या हुआ, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये रिकमेंड करती है एक लिस्ट ऑफ क्रॉप्स को कि इन इन क्रॉप की ये MSP होनी चाहिए। ये रिकमेंडेशन जाती है CCEA पे, CCEA मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, मैं लिख देता हूँ अगर आपको, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। CCEA क्या हुआ, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। तो CACP से रिकमेंडेशन चली, वो कहाँ गई, अब ठीक है यही यूज़ करते हैं लेज़र। CACP से रिकमेंडेशन निकली, वो गई CCEA पे, उन्होंने अप्रूव करके भेजा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है, और फिर ये अनाउंस करते हैं। तो कई बार बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन रिकमेंड कर रहा है, कौन अप्रूव कर रहा है, कौन अनाउंस कर रहा है। तो ये वाला फ़्लो याद करना, यहाँ से रिकमेंडेशन यहाँ जाएगी, ये रिकमेंडेशन अप्रूव होके यहाँ पे जाएगी, फिर ये इसको अनाउंस कर देंगे कि ये लिस्ट है, ये MSP की ये लिस्ट आई है इस पर। अब एक चीज़ और कि CACP जो है 23 कमोडिटीज़ के लिए MSP को रिकमेंड करते हैं, क्या कह रहे हैं, CACP जो है 23 कमोडिटीज़ के लिए, इस 23 में 22+1 समझो, 22 क्रॉप्स हुए और एक जो है वो शुगर केन है। शुगर केन को अलग से क्यों लिख रहे हैं, शुगर केन पे जो सब्सिडी दी जाती है उसको FRP बोलते हैं, फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस। इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, पता होता है ना तो एक कॉन्फिडेंस रहता है, ठीक है। अब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कमेटी जो है, एग्रीकल्चर कमेटी जो है, ये नोटिफाई करती है 25 क्रॉप्स के लिए, लेकिन CACP 23 ही क्रॉप के लिए रिकमेंड करती है सब्सिडी, लेकिन नोटिफाई जो होता है वो 25 क्रॉप के लिए होता है। कैसे, 23+2, ये 2 कौन से हैं, 2 हैं तोरिया और डी हस्क कोकोनट। ये अपनी जो वैल्यू है वो डिराइव करते हैं मस्टर्ड और कोपरा से, ये दोनों जो हैं ये इस 23 के पार्ट हैं। देखो फिर से एक बार बता रहा हूँ कि CACP जो है 23 के लिए ही रेकमेंड करती है, 23 का मतलब 22+1, 22 बाकी कमोडिटीज़ और एक जो है वो शुगर केन वाले को FRP बोलते हैं। लेकिन जो नोटिफिकेशन आता है वो 25 क्रॉप्स के लिए आता है, 25 क्रॉप्स में 23 तो ये वाले हो गए, 2 एक्स्ट्रा जो हैं वो तोरिया और डी हस्क कॉटन है। इनके लिए क्यों नहीं रिकमेंडेशन होती है, क्योंकि ये अपनी वैल्यू को इसमें ऑलरेडी 2 जो क्रॉप्स हैं मस्टर्ड और कोपरा, इससे
डिराइव करते हैं अपनी वैल्यू को। अगर सपोज़ करो मस्टर्ड की 10 रुपये है तो उसके हिसाब से ये 12 रुपये का मिलेगा, कोपरा की 14 रुपये है तो उसके हिसाब से डी हस कोकोनट 18 रुपये का मिलेगा। इसलिए नोटिफिकेशन जो आता है 25 का आता है और ये रिकमेंडेशन जो जाती है वो 23 की जाती है। ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि 23 होता है या 24 होता है या 25 होता है, 22 होता है। 22 से लेके 26 तक लोग सब सारी वैल्यू बोलते रहते हैं कि 22 भी होता है, 23 भी होता है, 24 भी होता है, 25 भी होता है। लेकिन कहाँ पे क्या टेक्निकलिटी है ये समझ आ जाना चाहिए। एक बार समझ आ गया फिर सॉर्टेड है खेला। अब क्वेश्चन बेसिकली था कि चलो ये भी लिख ही देते हैं, इसके आगे थोड़ा सा खींचेंगे। CACP रिकमेंड्स MSP फॉर 23 कमोडिटीज़। इसमें 7 सीरियल्स होते हैं, लिखूंगा नहीं पूरे, लिखना पड़ा। 5 पल्सेस होते हैं, ये आपके स्टैंडर्ड बुक्स में लिखा रहता है। 7 ऑयल सीड्स होते हैं और 4 कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं। एक बार मैं डिक्टेट करा दे रहा हूँ, देखता हूँ याद है कि नहीं। 7 सीरियल्स में होंगे पैडी, वीट, मेज, सोरगम, पर्ल मिलेट, बार्ले, रागी। ठीक है, सीरियल्स तो याद था। ठीक है, तो 23 कमोडिटीज़ आपको याद करनी अगर होंगे ना तो कुछ ट्रिक बनाने की कोशिश करना और इसको सेगमेंट वाइज याद करना। सीरियल्स हैं तो 7 सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं तो पल्सेस तो बहुत आसान है, ग्राम, तूर, मूंग, उड़द, लेंटिल, तो पल्सेस तो बिल्कुल वैसी वाली हैं जो आप देखते हो वही बिकती हैं। फिर ऑयल सीड्स हैं 7 और 4 कमर्शियल क्रॉप्स हैं। तो ट्राई करो कि बार बार इनको देखने की, इस टाइप से एक चार्ट बना लिया और रोज़ 3-4 बार क्या करो कि लिखने की कोशिश करो कि सारे क्रॉप्स को लिख पा रहा हूँ कि नहीं। पैडी, वीट, मेज, सरगम, पेयर मिलेट, बार्ले, रागी। फिर पल्सेस में लिखा तो ग्राम, तूर, मूंग, उड़द, लेंटिल। फिर ऑयल सीड्स में लिखा तो ग्राउंड नट, रेप सीड, सोयाबीन, फिर सेसमे, सनफ्लावर, सफलॉर, फिर नाइगर सीड। ठीक है, फिर कमर्शियल क्रॉप में लिखा तो कोकोनट, शुगर केन, कॉटन, रॉ जूट। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आप सारे क्रॉप्स बोल ले रहे हो ना तो कोई नया क्रॉप आपको दिखेगा ना तो आप पकड़ लोगे, ठीक है ये तो नहीं बोला था मैंने, जैसे कि लिनसीड, ये आपको याद आ जाएगा कि नहीं ये नहीं बोला है मैंने। ठीक है, लंबी हो रही है वीडियो। इंडिया हैज सिक्योर्ड द राइट, क्वेश्चन नंबर 81, इंडिया हैज सिक्योर्ड द राइट टू ऑपरेट इट सेकेंड ओवरसीज पोर्ट आफ्टर छबार इन ईरान इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले की वजह से भी न्यूज़ में चल रहा है कालादान वाला और अब मिल रहा है फाइनली, तो इसलिए भी न्यूज़ में है तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आंसर इसका हो जाएगा म्यांमार। एक बार इसको देख लो बस, कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, तो कोलकाता से लेके ये सितवे पोर्ट तक जाना है, फिर सितवे से इधर मिजोरम भी हम आ जाते हैं। ठीक है, तो कोलकाता से इधर सितवे तक तो पानी के रास्ते से, ठीक है, कोलकाता से इधर सितवे तक, फिर यहाँ से ये जो जगह है ना टेलेटवा, जिसमें वो कालादान रिवर जो है, कालादान रिवर बोट, इससे जाना है, फिर पेलेटवा से यहाँ मिजोरम तक रोड, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक, तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। कालादान रिवर के बारे में पता होना चाहिए, सितवे पोर्ट के बारे में पता होना चाहिए, कौन से स्टेट में है ये पता होना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ और पता होनी चाहिए, चलो बता दे रहे हैं, जो कंपनी सितवे पोर्ट पे अपना ये करने वाली है इसका नाम है कंपनी इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल IPGL लिमिटेड। ठीक है, किसकी है ये, फुल्ली ओन्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो खैर करंट अफेयर्स की चीज़ है तो मैगजीन आपको नहीं भूलनी है कर BCW की पढ़नी। ठीक है, द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ पास्ड अ बिल दैट विल अलाउ इट टू सेंड पर्सन टू रवांडा।
इफ़ द पर्सन वॉन्ट्स टू सीक असाइलम इन दैट कंट्री बट हैज़ एंटर्ड इलीगली. अगर क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, ऐसी कौन सी कंट्री ने ऐसा एक बिल पास किया है जिसके पास ये पावर आ जाती है, सपोज करो इंडिया हो वो कंट्री, तो इंडिया में अगर हमारे म्यांमार से या बांग्लादेश से कोई असाइलम लेने के लिए कोई आता है तो उसको हम चाहें तो रवांडा भेज सकते हैं. यहाँ असाइलम देने की जगह हम उसको रवांडा में असाइलम देंगे. तो ऐसी कौन सी कंट्री ने ये बिल लेके आया है, बेसिकली ये है क्वेश्चन. तो आंसर है इसका यूके, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है. अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्या होता है, एक तो यही फैक्ट, ये फैक्ट पता होना. दूसरा इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि रवांडा के बारे में पता होना. रवांडा एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, कौन कौन सी कंट्री से सराउंडेड है, कौन कौन सी कंट्री से सराउंडेड है, युगांडा से है, DRC से है, तंजानिया से है और बुरुंडी से है. तो ये चार कंट्री से सराउंडेड है, ठीक है. तो इस टाइप के क्वेश्चन से ना ये चीज़ें निकालने की बहुत कोशिश किया करो. अब बहुत ज़्यादा इसमें नहीं घुसना है कि क्यों बिल पास हुआ, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न. हमारा कंसर्न बस इतना है कि हमने एक फैक्ट ये पता कर लिया और इसके साथ साथ हमने थोड़ी सी मैपिंग देख ली. क्वेश्चन नंबर 83 सिचुएटेड इन द वेस्ट इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, दिस लेक इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट दिस लेक इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन मेड लेक एंड रिजर्वायर बाय वॉल्यूम. Its water level has dropped to 13% of its capacity due to El Nino induced drought. Which lake is being talked about here? Again, current affairs question. Answer इसका क्या है? Lake Kariba. ठीक है, Kariba की बात हो रही है. अब important क्या हो गया? Kariba, Lake Kariba कौन से continent में है, कौन सी countries से surrounded है, ठीक है. ये पता होने के बाद Lake Malawi, Retba, ये सारी लेक्स के बारे में पता होना, तो इसके लिए इसको यूज़ कर लेना आप, ठीक है. अब ये आपको पता होना चाहिए, कैस्पियन सी एक लेक है लेकिन ब्लैक सी एक लेक नहीं है, मेडिटेरेनियन सी एक लेक नहीं है, ठीक है, एरल सी है. लेकिन ये सारी चीज़ें ये ऐसे क्वेश्चन से आपकी रिवाइज होनी चाहिए. और ये जो हमारी लेक थी वो कहाँ, यहाँ कहीं है, इधर है कहीं, क्या नाम था, Kariba, ठीक है. ये सारे लेक आपको पता होने चाहिए, टिटिकाका का पता होना चाहिए, ठीक है. इधर आपका ये सारे लेक का ग्रेट लेक्स पता होने चाहिए, कैस्पियन सी पता होनी चाहिए, बैकाल पता होनी चाहिए, किधर है बैकाल, बैकाल पता होना चाहिए, ठीक है. तो सारे लेक्स को एक बार देख लो, जो नहीं पता है एक बार दो बार तीन बार देखोगे याद आने लगेगा, ठीक है. तो यही तरीका होता है इन सारी चीज़ों को रिवाइज़ करने का. करंट अफेयर से स्टैटिक पे भी हमने रिवाइज़ कर लिया, ठीक है. चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Arrow 2, Arrow 3, डेविड स्लिंग एंड आयरन डोम आर डिफेंस सिस्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. ये क्वेश्चन अगर अभी नहीं बन रहा है तो मतलब बहुत दिक्कत है. अब इससे ज़्यादा तो न्यूज़ में कोई चीज़ चल ही नहीं रही है. इसराइल इज़ द करेक्ट आंसर. डिफेंस सिस्टम है उनका, एयर डिफेंस सिस्टम. The Doomsday or the Thwaites Glacier is located in which of the following seas? अब अगेन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्यों न्यूज़ में था, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है ग्लोबल वार्मिंग के लिए. तो दो टेक अवे हैं इस क्वेश्चन से. पहला टेक अवे ये कि एक फैक्ट पता चला हमको कि ये कहाँ पे है. दूसरा कि इसकी मैपिंग कर ली हमने. Doomsday Glacier इधर है ये एरिया जो है, और कौन सी सी के पास है, अमुंडसेन सी. तो आंसर हो गया डी, ठीक है. क्यों न्यूज़ में है ये, क्योंकि वेरी सेंसिटिव टू ठीक है, इस वजह से न्यूज़ में था. तो करंट अफेयर्स को ना हमेशा ट्राई किया करो कि थोड़ा सा अगर मैप रिलेटेड है तो मैप में मार्क करके, अगर कोई फैक्ट रिलेटेड है तो उस फैक्ट के साथ कुछ और भी आप स्टैटिक लिंक कर पा रहे हो कि नहीं, इस टाइप से करंट अफेयर्स को ट्राई किया करो पढ़ने का. ओके चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन.
which constitutional amendment act ceased the reservation of the member of Anglo-Indians community to the Lok Sabha and state legislative assembly? देखो आंसर पता होना एक बात है, टेक अवे लेना हमारा मेन एम है कि क्या टेक अवे लेके जा रहे हैं। आंसर सिंपल है, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पता होने चाहिए, तो थोड़ा सा वो देख लेते हैं। 101st किसके लिए है? GST। 102nd किसके लिए है? NCBC को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। 103rd किसके लिए है? EWS का रिजर्वेशन। 104th किसके लिए है? एंग्लो इंडियंस, मेजरली एंग्लो इंडियंस, लेकिन सॉरी मेजरली एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर 10 मोर ईयर्स, अलॉन्ग विद दैट एंग्लो इंडियंस की रिजर्वेशन को भी बंद किया गया, ठीक है। 105th किसके लिए है? रिस्टोरेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूटी पावर फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड स्पेसिफाइंग सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, मतलब सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करना और स्पेसिफाई करना, ये पावर स्टेट्स और यूटीज को वापस से दी गई, तो इसके लिए तो रिस्टोरेशन लिख रहा हूँ बस। और 106th किसके लिए? 1/3 रिजर्वेशन टू वुमेन। कहाँ कैसे ये सब आपको पता होना चाहिए, थोड़ा उतना फैक्चुअल मतलब उतना कॉन्सेप्चुअल नहीं आना चाहिए कि यूटीज़ में होगा कि नहीं, लोकसभा में होगा, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये इसको तो अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो ये 6 जो आर्टिकल्स हैं, 6 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, ये अच्छे से आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा कुछ जो और भी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से? वो पहला, 42nd, 44th, फिर 52, फिर 61 इम्पॉर्टेंट है, 73, 74 ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, फिर 86, फिर 97। तो कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं ना, उनको एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लो, ठीक है। ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और ये पुराने वाले जो सदाबहार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैं जो कुछ पेपर में मल्टीपल बार रिपीट होते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका था 86 का बी। 87, विच आर्टिकल डील विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू द डीलिमिटेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? अब इस क्वेश्चन में कैच है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है, नॉट लोकसभा। ये मार्क करने की गलती नहीं करनी है, आंसर विल बी दिस। तो इसीलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, जल्दीबाजी में कि अच्छा मुझे तो पता है 82 आर्टिकल था, उसमें नहीं कर देना है आर्टिकल। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है या कहाँ की बात हो रही है, वो समझ आ जाए उसके बाद मार्क करो, ठीक है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स? इसमें से कौन है? अब इस जिद में मत अड़ जाना कि सबसे ज़्यादा तो यूपी का है 80 सीट्स, तो वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। इनमें से चार में से किसके पास सबसे ज़्यादा सीट्स हैं? तो यूपी के बाद आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद पास हैं 48 सीट्स, उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल 42 सीट्स, फिर आता है बिहार 40 सीट्स, और फिर लास्ट में तमिलनाडु। तो इतना नहीं पता होना चाहिए, यूपी पता है, नेक्स्ट कौन आता है महाराष्ट्र पता है, और बिहार भी पता है, हो जाएगा काम आपका, ठीक है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वुमेन्स वेयर मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? अब क्या करें इसका कि बहुत सारी मेंबर्स थी, आपके सारे याद करूं क्या? तो नहीं, सारे तो नहीं याद कर सकते हो। ऐसे केसेस में कुछ जो फेमस पर्सनैलिटी हैं जैसे कि सरोजनी नायडू, ये मैं याद कर लूँगा कि शी वॉज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर कुछ और पर्सनैलिटी जैसे कि उषा मेहता, ये भी फेमस है, अरुणा आसफ अली, ये भी फेमस है, मैं एक बार ये देख लूँगा कि ठीक है दे वेर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मैं क्वेश्चन देख के बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल पर्सनैलिटीज़ की बात कर रहा हूँ कि जो जो मैंने कहा ना कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ पे आपको अपना थोड़ा सा नोट्स वगैरह रेडी करने, वो आगे के क्वेश्चन में भी आपको समझ आएगा कि ठीक है पर्सनैलिटी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो
उन इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी को जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बन रही थी तो उसके अंदर प्रेजेंट थे कि नहीं, मैं थोड़ा सा आइडिया रखूँगा कि सरोजनी नायडू थी, उषा मेहता नहीं थी, अरुणा आसफ अली नहीं थी, तो इतना आइडिया रखूँगा ना तो एलिमिनेट कर पाऊँगा। जैसे फोर्थ और फिफ्थ मुझे अगर पता है कि नहीं थी, फोर्थ नहीं थी, फिफ्थ नहीं थी, फिफ्थ नहीं थी, आंसर विल बी ए। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे जितने भी 15 मेंबर 16 मेंबर जितने भी मेंबर्स हैं वो तुमको याद होने चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है, हर जगह कितना याद करोगे, लेकिन एलिमिनेट कैसे करना है ये समझ आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रीडम फाइटर वॉज गिवन द नेम ऑफ झांसी ऑफ त्रावणकोर बाई महात्मा गांधी। क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द क्वेश्चन। आंसर इज कामत चेराइन। ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वाई दिस क्वेश्चन इज आस्ड, बिकॉज ए पिक्टोरियल बुक वॉज रिलीज बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन इंडियाज 75 वोमेन अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसमें इस पिक्टोरियल बुक को रिलीज किया गया था, इंडियाज अनसंग हीरो द ब्रेव वुमेन ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये जो चारों नाम आप देख रहे हो ना, ये चारों इस बुक में मिले हैं, इसलिए ये क्वेश्चन को फ्रेम किया गया। आपका क्या काम होगा, एक बार जाके इन सारे नामों से गो थ्रू हो लो कि देख लो कि कितना कुछ पता है कि नहीं इनके बारे में। कुछ नहीं पता है तो थोड़ा सा देख लो कि ठीक है थोड़ा सा आइडिया हो मुझे, ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही हर के बारे में आप नोट्स प्रिपेयर करो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको नोट्स सिर्फ वो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो मैंने बताई, वो आइडेंटिफाई करने का तरीका जो बताया उसी पर करना है। इसमें बस आप देख लोगे कि आपको थोड़ा बहुत पता है कि नहीं, थोड़ा बहुत पता होगा तो इस टाइप के फैक्ट्स आप निकाल लोगे कि झांसी और त्रावणकोर इनको कहा गया। अंडरस्टूड, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन हियरिंग ऑफ सच्चिदानंद सरस्वती अरेस्ट ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइडेड टू ऑब्जर्व 28 अप्रैल एज ऑल इंडिया स्वामी सच्चिदानंद डे इन प्रोटेस्ट ऑफ हिज इनकारनेशन बाई ब्रिटिश राज। गलत हुआ है तो ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, अरे कहाँ गया, द कार्ले सर्कुलर वॉज इशूड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अगेन मे बी हो सकता है ये ऐसा क्वेश्चन हो जो आपके नॉलेज बेस को इंक्रीज़ कर रहा हो, अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं है, टेस्ट सीरीज से आप अपने नॉलेज बेस को भी इंक्रीज़ करते हो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपका नॉलेज बेस इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो कार्ले सर्कुलर वॉज इशूड इन ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, मूवमेंट लिखना चाहिए था, होम रूल मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम ये हुआ था। क्या थे ये जो कार्ले थे, चीफ सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ बंगाल के, इन्होंने एक सर्कुलर इशू किया था, वो बेसिकली कॉलेज गोअर्स और इनके स्टूडेंट्स के अगेंस्ट था कि आप प्रोटेस्ट वगैरह में हिस्सा ना लो। तो यहाँ से एक और चीज़ आती है, ये जो जान सकते हो, एंटी सर्कुलर सोसाइटी बनी थी। एंटी सर्कुलर सोसाइटी क्यों बनी थी, ये इस सर्कुलर के रिस्पांस में बनी थी। किसने बनाई थी थोड़ा बहुत जान लो बस, ये बनाई थी सचिंद्र प्रसाद बोस। अब देखो, हो सकता है कि तुम इस फैक्ट पे नहीं पहुंचते कभी, लेकिन चूंकि तुमने ये वाला क्वेश्चन देखा तो तुम थोड़ा सा और डिग इन करने गए कि ठीक है थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ इस बारे में, तो तुमको ये दिख जाएगा कि इसी से रिलेटेड एक एंटी सर्कुलर सोसाइटी भी है। किसने बनाई, सचिंद्र प्रसाद बोस ने बनाई है। कब बनाई है, 1905 में, नवंबर 1905 में, बस इतना ही जाना तुमने, काफ़ी है। ठीक है, क्यों बनाई होगी, इसके अगेंस्ट में ही बनाई होगी ना, ऐसा तो नहीं है कि इसको सपोर्ट करने के लिए बनाई होगी,
बस इतना अगर जान रहे हो, इतना क्वेश्चन पर रिसर्च कर रहे हो, तो चल जाएगा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीजर ऑफ एक एयरकोर्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन ये जो हमने मास्टर टाइमलाइन पढ़ी थी, मास्टर टाइमलाइन में जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे ना, मतलब ब्रिटिशर्स वाले तक हमने किया था, ब्रिटिशर्स के आगे बोला था कि पहले तुम इसको कवर करोगे कि यूरोपियंस को कैसे कैसे हटाया, फिर इंडियंस को कैसे, इंडियन डायनेस्टीज़ को कैसे कैसे हटाया। तो उसमें ना बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बस तुम बैटल्स याद रखना कि सबसे पहले अगर फर्स्ट बैटल ऑफ मैसूर हुआ या मराठा हुआ, इन बैटल्स को क्रोनोलॉजी याद रखना और उन बैटल से रिलेटेड उनकी ट्रीटी को याद रखना, बैटल और उससे रिलेटेड ट्रीटी। तो तुमको बहुत ज़्यादा ना ईयर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक अगर रफ आइडिया होता है ना कि कौन सी बैटल कब हुई थी, अगर मुझे एक क्रोनोलॉजी में याद है तो मैं उसको लोकेट कर लूँगा, ठीक है। और ये क्रोनोलॉजी जब याद रहेगी मुझे, तो उससे छोटे छोटे इवेंट्स जो हैं, जैसे कि एयरकोर्ट कब हुआ था, सेकंड कार्नाटिक वॉर में हुआ था, तो ये चीज़ें मुझे याद रहेंगी। अगर थोड़ा सा मैं सोचने की कोशिश करूँ कि सेकंड कार्नाटिक वॉर कब हो रहा था, तो 1749 से लेके 54 का टाइम था, तो इसी के बीच कभी हो रहा होगा सीजर ऑफ एयरकोर्ट। तो ये कब हुआ था, 1751 में हुआ था, ठीक है। तो वो क्रोनोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है, और इतना ही करना है तुमको। ये जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस और कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर है, ये जो यूनिट का नाम है मॉडर्न हिस्ट्री में, ये बहुत ही हाई यील्डिंग टॉपिक नहीं है। इससे 10-15 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन नहीं आने वाले, इससे 1-2 क्वेश्चन आएगा। तो हमको मेहनत उतनी ही करनी है जितना हमारा ROI बन पाए। तो हम टाइमलाइन याद रखेंगे, हम छोटे छोटे इवेंट्स याद रखेंगे, छोटे छोटे इवेंट का मतलब है कि बैटल का नाम, उससे रिलेटेड ट्रीटी, और उसमें कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया, जैसे कि सेकंड कार्नाटिक वॉर में कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ तो वो याद कर लिया, या फर्स्ट सेकंड मराठा वॉर में कोई बहुत बड़ा इवेंट हुआ, 10-20 साल का जो गैप दिया गया था, एक ट्रीटी साइन की गई थी, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ तो वो याद कर लिया। याद किया, वो ध्यान रह जाएगा तुमको, ठीक है। तो इसका आंसर है डी, 93 का डी, सेकेंड कार्नाटिक वॉर। अब देखो फिर क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एनेक्सेशन बाई ब्रिटिश एम्पायर। तो द आंसर इज किसके किसके बीच में बताना, सतारा, नागपुर, झांसी, उदयपुर, संबलपुर। सबसे पहले सतारा, ठीक है, आंसर शुड बी सी, ठीक है। तो देख रहे हो ना क्रोनोलॉजी का कितना इम्पोर्टेंस है। ये आपको मास्टर क्रोनोलॉजी, मास्टर टाइमलाइन याद करनी ही है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। पूरी हिस्ट्री आपकी बिल्कुल पकड़ में आ जाएगी अगर वो आपने अच्छे से याद कर लिया। नींद में कोई उठा के बोले पैलोलिथिक एज से मुझे इंडिपेंडेंस दिलाओ, आप लेके जाओ उसको कि ठीक है चलो एक एक दिखाऊंगा, मैंने तो काफ़ी कॉन्साइज किया था उसको, आप और बड़ी बनाओ। उसमें मौर्यन एम्पायर, मगध एम्पायर जो छोटा छोटा छोड़ा था मैंने, वो सारे डायनेस्टीज़ के नाम लिखो, फिर उसके बाद जो लेटर मुगल छोड़े थे वो भी लिखो, फिर जो आगे ब्रिटिशर्स वाले के आगे मैंने छोड़ दिया था कि वो बहुत ही इवेंट स्पेसिफिक हो जाएगा, वो सारे लिखो। आपकी NCM हुआ, फिर चौरी चौरा हुआ, फिर कौन से कमीशन बने, वो सारी चीज़ें एक बार लिख लोगे ना, तो उसके बाद तो फिर आपका काम बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द ऑफन कंसिडर्ड द फर्स्ट आर्म पीजेंट अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, दिस रिवोल्ट सून टुक ऑन रिलीजियस ह्यू, द रिवोल्ट लेटर मर्ज्ड इनटू द वहाबी मूवमेंट, विच रिवोल्ट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। मॉडर्न में देखोगे 2-3 क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक टाइमलाइन बेस्ड, पर्सनालिटी, इवेंट और एक ये अपराइजिंग वगैरह। तो ये सारे अपराइजिंग्स एटलीस्ट आपको पते होने चाहिए, जो मेजर मेजर पेपर में आए हैं, फरियाजी हो गया, चुआर हो गया, पागलपंथी हो गया, वहाबी हो गया, ये सारे जो है ना इम्पॉर्टेंट हैं और इनको आपको प्रिपेयर करना होगा। तो इसका आंसर है
नाकल पेरिया अपराइजिंग। हो सकता है बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा इसके बारे में, तो कोई बात नहीं है, वैल्यू एडिशन हो रहा है हमारी नॉलेज में, ठीक है। अब देखो, जो तब से मैं बोल रहा हूँ, पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन, पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन वन, पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन टू, पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन थ्री, उसके बाद पर्सनैलिटी, ये नहीं, पर्सनैलिटी नहीं करेंगे इसको, थोड़ा सा पर्सनैलिटी बेस्ड एंड प्योरली पर्सनैलिटी बेस्ड। तो करना क्या है, स्पॉटलाइट में से ये आपका तर्कश मैगजीन में वॉल्यूम टू में पहला सेगमेंट है, इसमें आपको 10 से 12 पर्सनालिटीज़ मिलेंगी जो न्यूज़ में रही हैं। अगर उस पर हो सकता है कि नेटफ्लिक्स पे एक महाराज नाम की सीरीज़ बनी थी, उसकी वजह से वो पर्सनालिटी न्यूज़ में आ गई, या कोई भी मतलब इस टाइप के इवेंट हुए, या किसी भी वजह से वो न्यूज़ में रही, तो 10-12 पर्सनालिटी वो हो गई। फिर मैंने आपको क्या बताया, 1885 के बाद से 30-32 पर्सनालिटीज़ आपको इम्पॉर्टेंट मिलेगी, दादा भाई नौरोजी हो गए, महात्मा गांधी हो गए, ठीक है, लाल बाल पाल हो गए, इस टाइप से आपको 30-32 पर्सनालिटी मिलेंगी PYQ से। बहुत ओवरलैपिंग मिलेगी यहाँ से, PYQ से भी 5-6 एक्स्ट्रा पर्सनालिटी आपको शायद मिल जाए। तो ऐसे करके 40 से 50 पर्सनालिटी आपको मिलेंगी। इस पे क्या करना है, एक A4 शीट लेनी है, ठीक है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, 1 पर्सनालिटी 2 3 4, और इसके बैक साइड में भी। तो एक A4 शीट पे आप 8 पर्सनालिटी लिख रहे हो, एक बार लिख दो पर्सनालिटी का नाम, उसके बारे में जो बहुत बेसिक जानते हो, जो आपके नोट्स में भी मेंशन है, वो लिख दो, फिर टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहो, PYQ सॉल्व करते रहो, जब भी उस पर्सनालिटी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन मिले उसको यहाँ लिख दो और बाकी रिवाइज कर लो फिर से। तो इससे होगा ना कि आपकी ये पर्सनैलिटी वाला जो चार्ट है ना, मुश्किल से 5 से 6 पेज का एक वो बनेगा, नोट्स बनेंगे, और वो पर्सनैलिटी आपके पूरे प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये आपको काम करना ही करना है। अब जैसे क्वेश्चन आया यहाँ, विनय दामोदर सावरकर पे, तो मैंने एक चार्ट बना रखा था विनय दामोदर सावरकर पे, मुझे ये फैक्ट नहीं पता था कि कहाँ उन्होंने पढ़ा। एक तो ये पहले इसको ठीक कर लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट है, ठीक है, जिसने टेस्ट पोर्टल पे दिया होगा या जिसने टेस्ट ऑफलाइन दिया होगा, उनको ये उसी टाइम नोटिफाई कर दिया गया था कि ये नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है, मिसप्रिंट हो गया वहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब क्या कहा मैंने कि मैंने A4 शीट पे विनय दामोदर सावरकर लिख रखा है अपनी वो 1/4 जगह पे, मुझे नहीं पता था कि ये इस कॉलेज से लिखे पढ़े हैं, तो ये लिख दिया मैंने। मुझे नहीं पता था कि इन्होंने इंडियन फ्रीडम सोसाइटी फॉर्म की है लंडन में, वो लिख दिया मैंने। ही रोट ए बुक इन नॉट इंग्लिश इन मराठी, टाइटल इंडियन इंडिपेंडेंस समर 1857, तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ, दैट इज़ द वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो मैंने ये फैक्ट्स लिख दिए, अब जब भी मैं पढ़ूंगा उसको तो ये रिवाइज होता रहेगा मेरा। तो पर्सनैलिटी वाले क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व करने हैं आपको, इसी टाइप से प्रिपेयर करने हैं आपको बेसिकली। थोड़ा सा अपना एक बेस रेडी कर लो कि ये सारी पर्सनैलिटीज़ में मुझे चाहिए मैटर। अब कुछ आपके नोट्स से आ जाएगा, कुछ PYQ से आ जाएगा, कुछ टेस्ट सीरीज से आ जाएगा। पेपर में जाने के पहले आप बिल्कुल रेडी रहोगे कि ठीक है, मुझे इतनी चीज़ें करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज हायर एजुकेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ही रिटर्न टू इंडिया इन 1929, ज्वाइंड INC। इन हिज बुक टू ऑल फाइटर्स फॉर फ्रीडम पब्लिश्ड इन इतना, ही क्रिटिकली रिफ्लेक्ट ऑन द चैलेंजेस दैट इंडिया फेस्ड ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द डिसीजन ऑफ इंटरिम कांग्रेस गवर्नमेंट। पोस्ट इंडिपेंडेंस ही वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द भूदान मूवमेंट एंड नवनिर्माण आंदोलन। लग रहा है कितना मुश्किल क्वेश्चन है, 3-3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने वो पर्सनैलिटी वाला चार्ट बनाया हुआ है
और आपने जयप्रकाश नारायण का नाम लिखा हुआ है, तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा जो आपने पढ़ा होगा। और ज़रूरी नहीं कि आपने तीनों पढ़ा हो, अगर आपको सिर्फ इतना ही पता होगा ना कि भूदान मोमेंट से ये एसोसिएटेड है जयप्रकाश नारायण, तो आपका काम हो चुका है। आपको चार चीज़ें और पता होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जितना बड़ा क्वेश्चन, जितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ये लग रहा है, उतना ही आसान क्वेश्चन है। आपको चार पांच फैक्ट्स दिए हुए हैं कि किसी से तो पकड़ लो कि ये जयप्रकाश नारायण की बात हो रही है, ठीक है। तो पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको क्या करना है कि जयप्रकाश नारायण यहाँ लिखना है और इनके बारे में बहुत ही शॉर्ट में फैक्ट्स लिखना है। इतने बड़े बड़े फैक्ट्स नहीं लिखने हैं, ऐसे फैक्ट्स लिखने हैं जो आपको याद रहे और जो आप पकड़ लो। नोट्स ऐसे बनाने हैं जो रिवाइज हो पाए, जो याद हो पाए। ऐसे नोट्स नहीं बनाने हैं जो दिखने में सुंदर दिख रहे हैं बस, और दिखाने को हैं कि देखो मैंने नोट्स कितने डिटेल्ड और कितने बढ़िया बनाए हैं। कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है हम यहाँ सिर्फ सिलेक्शन के लिए। चलो मूविंग फॉरवर्ड, चीफ कंट्रीब्यूटर कंट्रीब्यूशन ऑफ अब्दुल बारी, अगेन पर्सनैलिटी नोन एज प्रोफेसर बारी इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वॉज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे पर्सनैलिटी वाले क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने ही होंगे। अगर क्वेश्चन को वो थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं ना यूपीएससी की तरफ ले जाने की, तो यही सारे तरीके हैं। नहीं तो फिर क्वेश्चन तो ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि द इंग्लिश कैप्टन विलियम हॉकिंस ब्रॉट अ लेटर फ्रॉम जेम्स वन रिक्वेस्टिंग परमिशन टू डू बिजनेस इन इंडिया इन द रीजन ऑफ विच मुगल। अब ऐसे क्वेश्चन तो गलत नहीं होने चाहिए। जहांगीर के टाइम में बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन 1935। तो इस टाइप के क्वेश्चन से थोड़ा सा जब आगे जाना चाहेगा ना बीपीएससी, तो फिर ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन, ये जो 97 टाइप के क्वेश्चन है, ये सारे नहीं होंगे। इसमें आपके 150 में से इस टाइप के क्वेश्चन भी होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन भी होंगे। तो मैंने क्या बताया, इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, 30 में से 30 सही करने हैं। 30 आए हैं तो 30 सही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एलिमिनेटर्स हैं। जो भी स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखती रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते यार सिली मिस्टेक हो गई मेरे से, मैंने नॉट नहीं पढ़ा, इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, मैंने असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं। प्रैक्टिस करो, उसको एलिमिनेट करो, उस सारे मिस्टेक्स को एलिमिनेट करो। जो सिंपल क्वेश्चन 30 आएंगे वो सारे सही होने चाहिए, तभी आप रेस में हो। एक क्वेश्चन गलत हुआ, आप रेस में पीछे कटने शुरू हो गए हो। उसके लिए आपको 2 मॉडरेट सही करने पड़ेंगे फिर, ठीक है। कहाँ पहुँच गए थे हम, 99 कर लिया, 100 कर लिया। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, सिंपल क्वेश्चन अगेन लॉरेंस। तो ये वैसे क्वेश्चन है बिल्कुल PYQ वाले, या तो आए हुए हैं कहीं, या तो बिल्कुल इस थीम्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें परेशान नहीं होना, इनको बस सही करना है। हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज एसेंशियली ए फेडरल अपराइजिंग थ्रो देवर सम नेशनलिस्ट एलिमेंट इन इट। अब देखो, रिवोल्ट ऑफ 1857 से मैंने पहले ही बताया था ना, चंपारण और इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। लेकिन अब वो जो हर बारी क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो उनका सैचुरेशन आ गया, अब वो पूछ ली उन्होंने। अब क्या करेंगे, वो थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाएंगे। एक लेवल ऊपर जाने के लिए क्या करेंगे, उसमें से कुछ और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन या तो निकालेंगे, या तो कॉन्सेप्ट इसमें से कितना ही निकाल पाएंगे, कॉन्सेप्ट निकालना मुश्किल है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, इसमें से एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा निकाल लेंगे कि इसके बारे में, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में ऐसा ऐसा किसने कहा था। तो ये थोड़ा सा तुमको काम करना पड़ेगा, जो रिपीटेड बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जिसपे बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, तो वही क्वेश्चन याद नहीं करते रहने, उसके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकाल के लानी है, ठीक है। तो आंसर इज जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 103, अगेन अ पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन। 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, कहीं से तुमको बस पता लगा लेना है कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है। तो
पहले स्टेटमेंट से ट्राई करते हैं. 1851 ही हैज़ हिज फर्स्ट स्टिंग एज अ जर्नलिस्ट ही बिकेम कंट्रीब्यूटिंग टू रस्त गोफ्तार. अब रस्त गोफ्तार देख के बिल्कुल ही वैसे नहीं हो जाना है कि ये तो मुझे पता है किसकी मैगज़ीन है. अगर चलो यहाँ तो सज्जन हैं जिन्होंने क्वेश्चन सेट किया है, अगर यहाँ फुले की जगह दादा भाई नौरोजी लिख दिया होता तो लगता कि रस्त गोफ्तार ये यहाँ पर दादा भाई नौरोजी सही होगा. तो वैसे नहीं होने, अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन, ट्राई करना है डिकोड करने का. ठीक है. इन 1851 ही हैज़ जॉइंड हिज फर्स्ट स्टिंग एज अ जर्नलिस्ट ही बिगेन कंट्रीब्यूटिंग टू रस्त गोफ्तार एंड एंग्लो गुजराती न्यूज़पेपर फाउंडेड बाय, अच्छा चलो यहीं पे लिखा हुआ है, दादा भाई नौरोजी. ही स्टार्टेड सत्य प्रकाश इन गुजराती. देखो यहाँ से पता लगने वाली चीज़ है कि यहाँ पर करसनदास मूल जी की बात हो रही है. ही वोन द महाराजा लिबरल केस इन 1862. तो द बेसिक थिंग इज़ कि आपको पर्सनालिटीज़ प्रिपेयर करनी होंगी. अगर हिस्ट्री 40 से 45 क्वेश्चन आ रहे हैं तो काम करना पड़ेगा. वो वन लाइनर, वो फैक्चुअल चीज़ें याद कर करके नहीं होगा काम. ठीक है, चलो.